और फिर वो एक इतना अनंत है, व्यापक है, विराट है, सर्वत्र है, नित्य विद्यमान है, इसलिए उस एक को प्रणाम करते हुए शास्त्र कहते हैं नमोस्तु नंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुग धारणे नमः। हजार 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 युगों को धारण करने वाला वह परमात्मा हजार हजार रूपों में सहस्त्र शिरिखा परुखा, वह हजार सर होकर हजार हजार रूपों में होकर भिन्न भिन्न बहुरूप होकर वो एक अनंत होकर एक ही है, इसलिए उस एक को मेरे प्रणाम है जो सब में है, उस एक को मेरे वंदन है जो सब में है। वो पंच तत्व के रूप में, द्रव्य और नव चेतना के रूप में, प्रकृति प्राण के रूप में, प्राणियों के स्वभाव गति मति प्रकृति विचार संस्कार के रूप में अलग अलग होकर के मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, प्रत्येक मनुष्य की मति विचार प्रकृति स्वभाव रुचि अलग अलग है, रुचिना वैचित्र्या जगत, फिर भी वो हम सब में एक ही है। नमोस्तु नंताय, हे अनंत तुझे प्रणाम है। इसलिए हमारी संस्कृति एकत्व की संस्कृति है, अनेकता में भी एकता की बात कहते हैं। कुछ दूसरा नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, इसलिए अभेदोपासना के बाद उस एकत्व का ही बोध होता है। इसलिए एकात्मता एकत्व का दर्शन हमारी संस्कृति कराती है। पवित्र काल है कुंभ का, जो विशुद्ध रूप से विचार के लिए, संवाद के लिए, चिंतन मनन के लिए है, विशेषकर आत्म संवाद के लिए है, अपने होने के अर्थों को उजागर करने के लिए कुंभ काल है। एक ऐसा अवसर है कि आप अपने होने के सच, अपने होने के यथार्थ अथवा अपनी सत्ता से अनुभूत हो सकते हैं। एक ऐसा अवसर है कि आप अपनी वास्तविकता अथवा अपने सत्य से परिचित हो सकते हैं, स्वयं के सत्य से। स्वयं का अर्थ है देह मन बुद्धि से नहीं, प्रकृति विचार और आदत अभ्यास से नहीं। देह से तो परिचित हैं ही आप, अपनी चिबुक नासिका भाल कपोल हनु वक्षस्थल रंग रूप ये काय कलेवर, जिसमें नित्य परिवर्तन है, इससे नहीं, इससे तो परिचित हैं ही आप, पर यह भी मरण धर्म है। कुछ लोग अपने मन से परिचित होते हैं कि वहां किस प्रकार के विचार और संस्कार हैं, कैसी रुचि अरुचि है, मान्यता मान्यता है, ग्रहण त्याग है, हे उपाध्याय है, अपना तेरा मेरा है। कुछ लोग बहुत सजग होते हैं, वो अपनी बुद्धि से भी परिचित होते हैं कि बुद्धि ठीक निर्णय कर रही है अथवा ये निर्णय ठीक नहीं। जो सुजान है, सजग है, चैतन्य है, अथवा जो प्रज्ञावान है, अथवा जिनकी रितंबरा और ब्रह्मरिता चैतन्य हो गई है, वे अपनी बुद्धि से परिचित होते हैं कि निर्णय ठीक नहीं है हमारा। लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो स्वयं से परिचित होते हैं, अपने सत्य से, अपने होने के यथार्थ से, अपने अस्तित्व से। तो कभी कोई एक ऐसा अवसर हाथ लगता है जब आप किंचित श्रम कर लें,
थोड़ी सजगता रहे आप में, चैतन्यता रहे, स्वयं के लिए प्रतिबद्धता रहे, तो आत्म संवाद कर अथवा उपदेश के द्वारा, गुरु सन्निधि से, सत्संग या आध्यात्मिक विचार के द्वारा, या कुछ एक अच्छे अभ्यास के द्वारा आप अपने यथार्थ अथवा असत्य से परिचित हो सकते हैं। ये ऐसा ही कुछ अवसर है जो सत्य के प्रकाशन के लिए, यथार्थ के अनावरण के लिए, उसी दिशा में ये उपदेश या संदेश चलेंगे। हम अलग 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 भूमिकाओं के प्राणी हैं। हम में से कुछ ऐसे बैठे हैं जिनको ये संदेश, ये उपदेश, ये आज्ञा आदेश अलग 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 दिखेंगे। इसलिए गुरु के वचन शिष्य के लिए आज्ञा होते हैं। मुमुक्षुओं के लिए उपदेश होते हैं, साधारण जनों के लिए संदेश होते हैं। एक ही कथा सामान्य व्यक्ति के लिए केवल संदेश है, और यही कथा जिज्ञासुओं के लिए उपदेश है, और यही कथा शिष्य के लिए अथवा साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण जिसका है उसके लिए आज्ञा है। यही कथा धर्म भी है। शब्दपात ऐसे गुरु अपने चरित्र से, चिंतन से, आचरण से, अपनी दृष्टि से, भास आभास से, उपस्थिति से, वह जो करता है शिष्य उसे आज्ञा मानता है, जिज्ञासु उसे उपदेश मानता है, साधारण जन उसे संदेश कहते हैं, और अति सामान्य प्राणी उसे ऐसे ही कि एक व्याख्यान सा सुनकर आए हैं मंडपम में। जैसी भूमिका हिमाच्छादित हिमखंडों में सती के उमा भवानी के मन के भाव पढ़कर किनमें ग्राह्यता है, विनम्रता है, सर्वतो भावेन समर्पण है, देह में जड़ता नहीं, उत्सुकता है, शिव की समाधि लग गई और वो नित्य सत्ता जो है, जो परम सत्य है, उसे परिभाषित करने लगे। देह का धर्म जड़ता है, निद्रा प्रमाद है, क्योंकि देह स्थूल है। मन में स्वाभाविक चांचल्य इसलिए है कि वो बहुत सूक्ष्म है, पवन से भी कहीं अधिक सूक्ष्म, वायु से भी कहीं अधिक सूक्ष्म, इसे पकड़ में नहीं आता। वो कब हाथ से फिसल गया, जैसे कि बादल कब मिट गए, कब बन गए, उनकी आर्द्रता तरलता, वे जलज कब वायु के स्पर्श से बिखर कर मिट गए, फिर से कब नूतन कलेवर लेकर उड़ चले, उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म मन है। उसकी एकाग्रता सिद्ध होने पर गुरु के वचन ठहरते हैं। जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक गुरु के, शास्त्र के, संत के वचन अथवा शास्त्र के वचन ठहरेंगे नहीं। उनका साकार होना, सिद्ध होना,
उनका क्रियान्वयन होना, वो आपकी प्रकृति बने, चरित्र चिंतन बने, आपका स्वभाव और जीवन बने, और वो आपको परम सत्य की ओर ले चले, वो तो बड़ी दूर की बात है। वे एकाग्रता के अभाव में रह नहीं पाते। तो देह का धर्म है जड़ता, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, और मन तो बड़ा चंचल है, वायु से भी कहीं अधिक। जब भी कभी लाभ की कामना पैदा होगी तब हलचल होगी, और हमारी दृष्टि जब जाती है तो स्थूल पदार्थों पर, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटनाएं, द्रव्य, मुद्रा, ऐश्वर्य, विभूति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, मान, ख्याति, इसी में उलझी हुई मन से हमारी अवस्था, अपनी चाह, कामना, वासनाओं के कारण व्यथित है प्राणी। वो अपने होने का लाभ नहीं ले पाता, इस कारण देह, मन और बुद्धि उसे उन्नयन, उत्कर्ष के लिए और परम सत्य के लिए उड़ने नहीं देते, उसमें एक उड़ान बाधित करते। एक कल्पना तो करके देखो कि शिव तो कथा कह रहे हैं और वहां जड़ता देह में प्रमाद, इसलिए वो बड़ी अधिकारिणी होने पर भी कथा सुन नहीं पाए, जो बड़ा साधन है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं, लौकिक पारलौकिक। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कोई पहला साधन है, बड़ा साधन है, जिस साधन की सिद्धि से अनेक साधन फलीभूत होते, वो साधन श्रवण ही है। विशेषकर हम सन्यासियों को, विशेषकर हम दसनाम सन्यासी अथवा प्रस्थानत्रयी के जो अभ्यासी हैं, उन्हें यह साधन बताया गया कि सुनो, आपको सुनना आना चाहिए। इसे वेद ने जो पहला साधन बताया वो सुनना बताया, भद्रम करणे भी सुनियाम देवा, पहला साधन ही सुनना है। भद्रम करणे भी सुनियाम देवा, सुनना सीखो, श्रवण मंगलम। मांगल्य तब होगा जब सुनना होगा, फिर मनन है, निधिध्यासन है, श्रवण। उसके तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, इसलिए गणेश जी के कान बड़े हैं। कुछ लोग देखना ज्यादा चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। गणेश जी के कान बड़े हैं, आंखें बहुत छोटी हैं, क्योंकि इन आंखों से तो सच दिखेगा ही नहीं, इन आंखों से तो वो दिखेगा जो मिटता है। इसे जड़ता के कारण सुन नहीं सके वो। तो साधक की जो पहली अवस्था है वो अप्रमत्तता है, अप्रमत्त। किसी तरह से भी तैयार करो अपने अंतःकरण को कि वो अप्रमत्त हो सके। इस आध्यात्मिक गलियारे में एक जो श्रम करते हैं साधक, उनका जो श्रम होता है, जो पुरुषार्थ करते हैं अप्रमत्तता के लिए, कि उन्हें प्रमाद न रहे, सजगता रहे, चौकन्नापन रहे, गंभीर रहे, वो सजग रहे, जो जागत है सो पावत है, या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृत संयमे। उपनिषदों में ये जो मंत्र है, जो कथा के बिल्कुल आरंभ में, जिसका मैं आह्वान करता रहा हूं लंबे समय से, और उसके अलग 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 अर्थ मुझे प्राप्त होते रहे, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्।
प्रबोधनु सरोही आत्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते। ये उपनिषदों का मंत्र है। प्रणबोधनु सरोही आत्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते। अप्रमत्तेन वेदव्यम्। अप्रमत्त इसलिए कथा के आरंभ में आता है कि सती को निद्रा ने घेर लिया और जो तत्व था, जो चेतना थी, जो कथा रस था, उसका कोई अधिकारी सुख और उसे कथा प्राप्त हो गए। हाई ग्रीव सुख, हंस, कोकिल, कागा, इनसे कथाएं आई हैं। चकित कर देने वाली बात तो है कि कथाओं को पैदा किया है कागा ने, कोकिल ने, हंस ने, हैग्रीव ने, अश्व ने, गौ ने, वृषभ ने, चींटियों ने, चिड़ियाओं ने, तोता मैना ने, इनको कथाएं आती थी। ये जो ट्वीट करना है, ये जो चहचहाट है, पत्तों की सरसराहट है, बादलों की गड़गड़ाहट है, ये कथा के आरंभिक स्वर है। इसलिए उपनिषदों में और वेदों में आता है कि बादलों से कथा सीखी ऋषि मुनियों ने, हयग्रीव से, हंस से, कागा कोकिल से, कपोत से। कितने वृक्ष ऐसे हैं जो पंछियों के उदर से पैदा होते हैं, विशेषकर अश्वत्थ, वट, पीढ़ियां, हमारा मर्म वहां से है। शुभ तक कथा पहुंची। जब तक बहुत प्राकृतिक नहीं रहेंगे, जब तक आप बहुत नैसर्गिक नहीं है, जब तक आप बहुत सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, तब तक कुछ सुनाई नहीं देगा। कुछ लोग तो इतने जड़ हैं, अपनी नहीं सुन पाते। कोई एक भीतर से पुकार आती है सच की, यथार्थ की, वो इतने आसक्त हैं पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में, वो इतना अधिक लौकिक अनुकूलताओं के सृजन में इतने मगन और इतने व्यस्त हैं कि जो कुछ भौतिक है उसे ठीक करना है उनको। उनका पुरुषार्थ केवल भौतिकी है, आर्थिक है, जागतिक है, इसलिए वो सो गई और कथा कहीं और जगह पहुंच गई। ये तरंगे हैं, स्पंदन है, ये स्वर लहरियां हैं, ये संप्रेषण है, जो अधिकारी होगा वहां पहुंचेंगी। इसलिए जो वेद मंत्र हैं वो तरंग हैं, वो ध्वनि हैं, अब तनिक भी सजग हैं, श्रद्धावान हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना देख नहीं पाओगे। यानी श्रद्धा आंखें देगी आपको, तो थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ा विश्वास हो, सजगता हो, थोड़ा मन गीला सा हो, तो फिर कथा उतरेगी आप में। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम, ये पातंजल सूत्र है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम, पहले श्रद्धा है, गीले से होके बैठो, सहज होके बैठो, आनंद में बैठो, मगन होके बैठो, थोड़ा सुखी कथा सुननी है, सहज होके बैठे, तनाव में नहीं, आहत होकर नहीं, बिखरे टूटे हुए मन से नहीं, लंबे समय तक अंतःकरण के निर्माण की बात कही है ऋषियों ने। एक ऋषि को तो कह दिया जाए हजार गौवें हो जाए तब आना, चल पड़ा हजार गौवें लेके,
और जैसे ही 1,000 गौएं हुई तो वृषभ हुआ, बछड़ा पैदा हुआ। वो बोलने लगा कि गुरु का आदेश का पालन किया आपने, अब हम 1,000 हो गए। धर्म के एक पाद का उपदेश मैं आपको करता हूं। एक पाद का अर्थ है एक पाव से है, 1/4। तैयार हो गए? और दूसरे पाद का उपदेश आपको अग्नि देगी, अग्नि प्रजापति, अग्नि ऋषि, अग्नि ये फायर, अग्नि माने ऊर्जा, तरंग, अग्नि मिले पुरोहितम। वेद का तो आरंभ ही अग्नि से है, पहले अग्नि मिले पुरोहितम, फिर पंछी, प्रकृति, प्राण, पवन, सब उसे उपदेश देने लगे। और फिर गुरु की बात अंत में उसे समझ आई, गुरु की बात फिर समझ आई उसे। गुरु माने शास्त्र, गुरु माने वेद, गुरु माने पुराण, गुरु माने माता पिता, गुरु माने धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु। भगवान दत्त के स्थान पर बैठे हैं जहां से सीखने को मिल जाए। अरे पिंगला गुरु, बादल बया गुरु, धरती का धैर्य गुरु, जिन्हें बहुत बोलना आता है वो पंछी, परिंदे, अन्य प्राणी और प्रकृति नहीं, वो मनुष्य ही है जो बहुत बोलता है। जो कम बोलते हैं वो अन्य जीव हैं। बोलने लगे सब। इसे जो कहा जा रहा है शिष्यों के लिए वो आज्ञा है, ऐसा मानते हैं शिष्य। मुमुक्षु कहते हैं ये तो उपदेश है, सामान्य जन कहते हैं तो संदेश है, और अति सामान्य कहते हैं व्याख्यान है, एक अच्छा सा भाषण है, वार्ता। इसलिए एक अच्छा सा मन तैयार करते हुए कथा में चलते हैं। क्योंकि ये हमारी प्रगति में बाधक है, देह की जड़ता, मन का चांचल्य, बौद्धिक भ्रम, अहंकार, श्रेष्ठता का, पूज्यता का, विद्या का, रूप का, यश का, इनसे अलग हटकर हम कथा में चलते हैं। आनंद तट पे कथा हुई, चूंकि नारद ने देखा था एक व्यथित स्त्री को और उसमें प्रवेश करते हैं। गुरुजनों का ध्यान करते हुए, मृत्युंजय को प्रणाम करते हुए, गंगा के कलकल नाद को वंदन करते हुए, भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक जो बड़ा अद्भुत है, जो हर दिन मुझे नूतन, नवीन, अभिनव प्रतीत होता है। अनेक बार उसका अभ्यास करने पर भी वो और गहरा, व्यापक, मधुर, मोहक, प्रिय, आनंदकारक और भवतारक सिद्ध हुआ है। आइए हम भाग्यवान हैं, भागवत का पहला श्लोक सुनते, ऋषियों से आज्ञा लेते हैं। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए। सच्चिदानंद रूपा विषुत्पत्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, 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 श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्यादि है तवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयम। विश्व की उत्पत्ति, उसके लय प्रलय, सृष्टि स्थिति संहार के मूल में एक ही है। बड़ा आनंद है, भागवत में पहले भगवान का नाम आता है। जागतिक प्रपंच की दुख की वेदना भ्रम भय की संशय अल्पता की न्यूनता अधिकता की चर्चा नहीं है। हिमवत्तिकाओं में बैठकर नरनारायण पर्वत के मध्य में जहां भैरवी चक्र है, उर्वशी पीठ है, ऐसे नारायण आश्रम में महर्षि वेदव्यास ये पहला श्लोक लिखते हैं जो भगवत प्रेरणा से उनमें स्फुरित हुआ, उनमें गुंजरित हुआ, उनमें झंकृत हुआ, उनकी संपूर्ण चेतना में नृत्यांगित हुआ। जैसे मानो नर्तन होने लगा भागवत भाव उनमें, जैसे मानो वो एक वाक्य धारा उनकी फूट पड़ी, जैसे कि ऐसा पात हुआ ऊर्जा और आनंद का, वो एक विशेष प्रकार के सम्मोहन में खो गए और वो भागवत को लिपिबद्ध करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय, पहले सच्चिदानंद शब्द है, सत्य है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो सी भी सच, पहले सच है। सच में आनंद है, प्रियता है, मोहकता है, सत्य में ऐश्वर्य है, विभूति है, सत्य में सिद्धि है, वो अकाट्य है, वो नित्य है, क्योंकि झूठ नहीं है। जिस दिन भी आप सत्य के पास लौटाओगे, जिस पल भी आप सत्य से जुड़ेंगे, उस पल आप अजेय, अपराजित, अनंत, मोहक, प्रिय, सुचि, सुंदर और महान बन जाओगे। जिस दिन भी सच के पास लौटाओगे, झूठ से कोई आगे बढ़ा नहीं है, झूठ ने किसी को बहुत उन्नति नहीं दी है, क्योंकि वो है ही नहीं। जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो है नहीं, जो तीन काल में नहीं था, बस अपने लोभ लाभ के लिए, हित सिद्धि के लिए, कुछ पल के लिए हमने प्रायोजित किया है उसको, वो हमारे अज्ञान की उपज है, हमारे लोभ के कारण जगा है वो, उसने भ्रमित किया है। सत्य असत्य ने हमको, झूठ ने, किससे सिद्धि है, मान है, सम्मान है, यश है, और ये लंबे समय तक आपको सुख देने वाला है। सच तो मानिए यही है, उसे दुख मिलता है, सच दुख का रंग है। उसका परिणाम निंदा है, उसका परिणाम बड़ा क्लेश है। सत्य नारायण वो लीलावती कलावती ने किया, साधु नाम के वैश्य ने, निर्धन ब्राह्मण ने, उल्का मुख राजा ने, किसने नहीं किया वो व्रत सब वर्णों में।
आप सत्यान्वेषी हैं, सत्य पारायण है, आपके आचरण में सत्यता है, आप अजेय हैं, क्योंकि वह आनंद है। इसलिए भागवत की कथा के आरंभ में कहा गया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही विश्व की उत्पत्ति आदि का कारण है, क्योंकि वो नित्य प्रलय के साथ है, नित्य सृजन के साथ है, क्योंकि वहां हर पल परिवर्तन है, उसमें नहीं, उसकी प्रकृति में जो बाहर है, वो एक रस है, अखंड है। इसे वो जो एक रस है अखंड है उसे देखना है, जिसमें आनंद है। हम बाहर देख रहे हैं यहां परिवर्तन, हम बाहर देख रहे हैं जो एक रस नहीं है, इसे वही दुख है। भागवत के पहले श्लोक में आता है सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद ही है, बिना रूप के नाम नहीं रखा जा सकता। रूप होगा तो नाम होगा, सृष्टि नाम रूपात्मक है, लेकिन नाम पहले नहीं है, पहले रूप है, नाम बाद में आता है। आपकी जो रचना है, आपका जो सृजन है, कुछ भी जो आपसे प्रकट हो रहा है, जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो कुछ भी आपसे निर्मित हो रहा है, जो भी निर्मिति है, जैसे आपने अपने हाथ में लेखनी ली और आपने ऐसे कागज पे कुछ रख दिया, वो उस लेखनी को अभी कुछ किया नहीं है और हटा लिया तो बिंदु है। इसलिए जितनी भी यहां स्थितियां हैं उनके नाम बाद में, पहले रूप है, और भगवान सच्चिदानंद रूप है। या जो कुछ है उसे सच मानकर हम दुख का कारण बनते हैं, दुख का कारण है उसमें, उससे दुखी हो जाते हैं। अब संसार में तीन चीजें, चौथा कोई दुख नहीं है, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हमारे यहां वेद मंत्रों में तीन बार शांति बोली जाती है, ओम शांति शांति शांति। हम दो बार शांति नहीं बोलते। कुछ नए लोग हैं, ओम शांति शांति, बिल्कुल नवाचार जिनमें है, जो परंपरा से नहीं जुड़ना चाहते, जिन्हें कुछ ऐसा करना है, ओम शांति, थोड़ा सा और सरक कर ओम शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। जितना भी परंपरा से, मूल्य से, सत्य से, नियमों से, प्रकृति से, स्वभाव से, गुण से परे हटोगे उतने दुर्बल बनोगे। पूजित यहां ये गंगाधार, हर की पैड़ी से पूजित होकर जब सरक जाती है कनखल में से होकर मूल धारा में, तो अपने रूप में ही रहती है सुरक्षित। लेकिन यही मूलधार गंगाधार कनखल की ओर न मुड़े और सीधा रुड़की चली जाए तो कैनाल बन जाती है, नहर बन जाती है। यही धार रुड़की में मान्य नहीं है, गंगा नहीं है, कैनाल है, गंग नहर है। यही धार कुछ दो चार हाथ का एक रास्ता तय करने के बाद, जब मूल से हटेंगे आप, मूल से, तो सत्य से हट जाएंगे, अस्तित्व से कभी भी लग न हो आप। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ही प्रकार के क्लेश हैं, इनकी कभी चर्चा करेंगे। आज आध्यात्मिक क्लेश की चर्चा करते हैं।
जो नहीं है उसे संभाल के रखने से जो दुख है उसी को आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। जो नहीं है, जो नहीं संभाल के रखा जा सकता, इसे आदि व्याधि उपाधियों में उपाधि की कितनी चिंता है, बनी रहे उपाधि, उपाधि बनी रहे। कुछ लोग टाइटल के लिए मरते रहते, आप अपने में पूरे हैं लेकिन जब तक श्री श्री दो चार बार श्री न लगे तब तक व्याकुलता सी रहती है। मैं खाली साधु पीठाधीश्वर नहीं, मैं खाली सन्यासी हूं, कोई भूषण भास्कर कुछ बड़ा, ये दुर्बलताएं मेरे आसपास में भी नहीं होंगी। उपाधि, उपाधि से रहित आपको बोला जाए तो कष्ट होता है, उपाधि भी है। सीधा नाम लो तो लोग धीरे से कान में सर काते हैं कि नहीं नाम तो ठीक ले पर प्रधान जी भी हैं, अच्छा जी ठीक है, ये ट्रस्टी भी हैं, अच्छा तो फिर बताना पड़ता है। उपाधि, जितना हम उपाधियां संभाल के रखेंगे और वो संभाल कर रहती नहीं, क्योंकि देह भी एक उपाधि है, ये भी संभाल कर नहीं रखी जा सकती। अभाव के दुख अज्ञान से बड़े होते जाते हैं। एक दुख है फेक, झूठ मूठ का, मिथ्या मायावी, जो है ही नहीं, एक दुख है। एक भय है जो है नहीं बना हुआ है, एक अवसाद है, एक द्वंद है, एक व्याकुलता है, एक असहजता है। ये आध्यात्मिक क्लेश है जो अज्ञान से पैदा होते हैं, इनको कहेंगे अभाव के दुख। वाहन तो है पर बड़ा नहीं है, बड़ा तो है पर उतना महंगा नहीं है, अब महंगा तो है पर सबसे महंगा नहीं है, वो नहीं है। भवन वैसा हो तो भवन वाहन भूमि विस्तार आभूषण पद, और बड़ा पद पद है पर प्रतिष्ठित नहीं है, ख्यात नहीं है, चर्चित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो है बड़े तो हो गए पर शिखरस्थ नहीं है, शिखर पे तो पहुंच गए शीर्षस्थ नहीं है, शीर्षस्थ हो गए प्रथमस्थ नहीं है। आई एम नॉट फर्स्ट, मैं हूं तो सही, तीन चार में मैं भी एक हूं पर मैं तीन चार में क्यों रहूं, मैं पहले पांच में तो हूं पर मैं पहला क्यों नहीं हूं। आध्यात्मिक क्लेश, अभाव का दुख, भागवत सुनने के बाद अवसाद नहीं रहता, भय नहीं रहता, भ्रम भी नहीं रहता। जो सदा के लिए मिट जाती हैं उनका नाम चिंता है, और मुझे अन्यथा मत लेना, व्यक्ति इस दिशा में श्रम नहीं करना चाहता। साधकों का अगर इस दिशा में श्रम हो कि हमें अपने भ्रम भय अल्पता न्यूनता अभाव मानसिक रोग क्लेश द्वंद, एक और चीज उसका नाम है अज्ञात भय को मिटाना है, तो यह विचार से संभव है, आध्यात्मिक प्रयोग से संभव है। भागवत का पहला श्लोक कहता है तापत्रय विनाशाय, अरे क्या बात लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, कितनी बड़ी बात है। भागवत का पहला श्लोक कहता है कि आओ पहले इन तीन दुखों को मिटाओ, उठो जगो, संकल्पित हो आप कि ये पहले तीन दुख मिटने चाहिए हमारे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, अथवा दैहिक दैविक भौतिक तापा। ज्ञान में उठो, चरैवेति, ज्ञान में चैतन्य होकर अपने उत्कर्ष के लिए खड़े हो जाओ,
तो जो ज्ञान में खड़ा हो गया है वही चैतन्य उत्तिष्ठत जागृत, ये वेद का मंत्र है। ध्यान रखना, जो बैठ गया उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो लेट गया है उसका भाग्य भी सो गया है। तो भाग्य किसका खड़ा हुआ है? जो खड़ा हो गया है ज्ञान में। आपको ज्ञान में खड़ा होना है, अपने विवेक में, अपने आत्म प्रकाश में। आपको मिटाने अपने संशय, दूसरे तो पदार्थ ले देकर आपको प्रसन्न करना चाहेंगे, उपहार ले देकर, आपकी प्रशंसा करके, भूमि वाहन भवन देकर, कुछ महंगे वस्त्र देकर, आपके लिए खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, आपके दुख नहीं छीन पाएंगे। वो पदार्थ, उपहार, भवन, वाहन, भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं आपको मोमेंट्री प्लेजर दे सकते हैं, क्षणिक। उठे, वेद कहता है चरैवेति, अपने ज्ञान में उठ जग, अपने आप को पहचान, प्राप्य वरान्यबोधत, ये दुख की जड़ है कहां वहां ढूंढ, खुद से स्वयं से। जो अभी दुखी हुआ किस कारण हुआ, अभी जो मैं दुखी हुआ, अभी तो एक बच्चे को हम रोते हुए देख लेते हैं, दो बच्चे बैठे, एक को गोद में उठाओ दूसरा रो पड़ा, भाई ये क्या हुआ, ये तो रो पड़ा बच्चा, वो जन्मजात है हमारे भीतर, वंशानुगत है ये दुख, जो अज्ञान से है, जो भ्रम से है, भय से है, हमने वहां श्रम नहीं किया है। तापत्रय विनाशाय, तो किससे मिटेगा? श्री कृष्णाय वयम नमः। महर्षि वेदव्यास भागवत का श्लोक लिखते हुए बहुत पारमार्थिक प्रयोग करने लगे कि ये मैं दिया जला तो रहा हूं पर इस सब के लिए। अच्छा, दिए का अर्थ भी यही है, भले अपने लिए जलाओ, भले स्वयं के लिए जलाओ, पर वो तो बहुत सों के लिए है, न जाने कितनों के लिए। आप भले ही कहते रहो मेरा दिया है, मेरा दीपक है, मैंने जलाया, मेरी तेल बाती, ये तेल मेरा, ये बाती मेरी, ये दीपक मेरा। हाँ, हो सकता है दीपक आपका हो, तेल आपका हो, बाती आपकी हो, वो तो आप ही के हैं, लेकिन उसमें से जो प्रकाश प्रकट हुआ है वो आपका नहीं है, वो परमात्मा का प्रकाश है, वो उसका प्रकाश है, और उसकी प्रकृति सबके लिए है। तेल तो आपका ही है, बाती भी आपकी, दिया भी आप ही लाए हैं, पर जैसे उसमें से प्रकाश आया तो सबका हो गया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम करते हम सब, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, हमारी रक्षा कर, हमारे साथ रहे, हम पर कृपा कर, हमारी ओर देख, हमारा साथ न छोड़। ये भाषा बहुत दिनों के बाद बनती है व्यक्ति की, अन्यथा तो एक ही भाषा रहती है, मेरा कल्याण कर, मेरी ओर देख, मेरा भला कर, लेकिन हम सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो पारमार्थिक भाषा है। लोका समस्ता, एक किसी बड़े बहुत बड़े विद्वान की व्याख्या में ये पढ़ रहा था कहीं, वो कहते हैं ऋषियों का चिंतन तो देखो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एक लोक नहीं जितने लोक हो सकते हो उनमें सुख पैदा हो, पर होगा कैसे? सुख का साधन एक ही है और दूजा नहीं है, सुख का एक ही साधन है और वह आध्यात्मिक विचार। आओ विचार करें, आओ संवाद करें,
आओ सच की ओर चलें। इसलिए ऐसा कहते हुए शास्त्र कहते हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ये तो दुखी करती रहेंगी चीजें, व्यक्ति वस्तु पदार्थ दृश्य घटनाएं, दिन भर दुखी होते रहे और दुख से निकलने के कुछ प्रयोग करें। असतो मा सद्गमय, हे ईश्वर मुझे सत्य की ओर धकेल, मुझे ले चल सच की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अज्ञान कोठरी में से निकाल, मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मैं देख सकूं, सही पहचान सकूं। मृत्योर्माम अमृतम गमय, मैं रहूं और लंबे समय तक, लेकिन मुझे अमृत की ओर लेकर चल। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं हम सब प्रणाम करते हैं ईश्वर तुझे, और ऐसे कहकर ये भागवत के पहले श्लोक में आरंभ में तो महर्षि वेदव्यास अकेले दिखते हैं, और जब श्लोक पूरा होता है तो पूरी प्रकृति के साथ दिखते हैं। ये सन्यास का स्वभाव है, यह साधु स्वभाव है। हम कैसे जाने कि आप साधु बन गए? हम तो बहुत क्षमा मांगेंगे आपसे, लाल कपड़े हो गए साधु बन गए, हम कैसे जान लें साधु बन गए? आपके पल पल प्रयोग पारमार्थिक है, आप अन्य के लिए जी रहे हैं, सबके लिए और सबके साथ हैं, तो यह सन्यास की आरंभिक अवस्था है, क्योंकि उसकी शर्त ही यही है। ओम भू सन्यस्तम मया, ओम भुवः सन्यस्तम मया, ओम स्वः सन्यस्तम मया, ओम सर्वं सन्यस्तम मया। अब मैं सब कहूं सब मेरे हैं। जितनी जितनी आप में से आपकी पारिवारिकता मिटेगी, जितनी 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 डिग्री खिल के आएगा सन्यास, उतना सन्यास माने बड़ी चीजें। सन्यास का अर्थ ये नहीं लाल कपड़ा, उतना ही ईश्वर का विराट व्यक्तित्व आप में प्रकट होगा। आप अनंत हैं भाई, हम सब अव्यय हैं, इसलिए वयम नमः भागवत सबके लिए, एक के लिए नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, न दे न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने लिए फल नहीं लेते, नदियां अपनी नीर नहीं संचित करती, वैसे ही पारमार्थिक प्रयोग जिनके पास है वो सन्यासी, वो साधु। ऐसे महर्षि वेदव्यास का ये पहला एक श्लोक, उसकी व्याख्या करते हुए अब हम कथा में चलते हैं। ये पहला श्लोक है, गणेश जी का ध्यान करते हुए, गुरुजनों का आह्वान करते हुए, हमारे गुरुदेव भले ही शरीर में न हो पर वो तो सर्वत्र हैं, क्योंकि वो तो स्वयं सत्य हैं और सत्य ही सबका मित्र होता है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, यत यन मित्रम यन सन्मित्रम परमानंदम। मित्र तो वही है जो साचा होता है, और सत्य ही आपका मित्र हो सकता है। जो साचा नहीं है वो मित्र हो ही नहीं सकता। जो सच नहीं है, जो आपके साथ सच नहीं बोलता, जो आपके साथ सत्य व्यवहार नहीं करता, जो आपको सत्कर्म नहीं सिखाता, जिसके कारण सत्य प्रवृत्तियां आपकी पैदा नहीं होती, भैया ऐसे झूठे साथी के साथ मत रहो। यन मित्रम सन मित्रम सत्य मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हम कथा में चलते हैं, गुरुजनों का ध्यान करते हुए आइए गुरुदेव का स्तवन करें, और इस एक छोटी सी चौपाई के साथ उगरई विमल विलो छन ही के उगरई विमल विलो छन ही के
करई विमल विलो चन ही के उभरई विमल विलो चन ही के इतही दोष दुख भव रजनी के मिटई दोष दुख भव रजनी के मिटही दोष दुख भव रजनी के मिटही दोष दुख भव रजनी के मिटही दोष दुख भव रजनी वंदों गुरु पद पदुम परागा 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 सुरचि सुवा सुसहिस अनुरागा ये दो शब्द लुढ़कते हुए एक साथ चलते हैं और परस्पर विरोधी हैं ये दोनों अक्षर, इनमें संघर्ष है इन दोनों में आद्यकाल से। ये दो अक्षर ऐसे हैं जिनमें भीषण संग्राम है, संघर्ष है, विरोधी है। ये दो अक्षर, उनके अर्थ बताऊं फिर मैं आपको अक्षर बताऊंगा। एक अंधकार, दूसरा प्रकाश। एक कठिनता, दूसरी सरलता। एक दुर्बोध, दूसरा सुबोध। एक कट्टरता, दूसरी उदारता। एक दुख, दूसरा सुख। ये जो दो अक्षर हैं गुरु 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 गुरु, दोनों की मात्रा एक जैसी है, समान बलशाली हैं। गुरु जो पहला है वो अंधकार है, गकार अंधकार। गुरु बहुत भारी मात्रा में, जहां कठिनाइयां हैं, दुर्बोध है, जटिलता है, जहां संकीर्णता है, जहां आवरण है, आवृत्तियां हैं, जहां ढका हुआ है सब कुछ, और जहां पर प्रकाश है, आनंद है, उल्लास है। तो जो तिमिर को नित्य चुनौती देने वाला जो बल है, जो अंधकार को रोज चुनौती देता है बल, वो बल गुरु का बल है।
इसमें जो गुरु में दोष, जो अक्षर गुरु 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 गुरु, पहला अंधकार, दूसरा प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपकी प्रवृत्तियों को, प्रयत्न को, आपके प्रयास को उस पुरुषार्थ में बदल दे जिसमें प्रकाश है, और वो नित्य मांग है हमारी, वह स्वाभाविक मांग है। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, जिसके आशीष अनुग्रह से हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक आकांक्षाएं उदित होती हैं, हमारी अभीप्सा और ऐषणाएं, हमारी कामना और स्प्रहाएं, हमारे भीतर में अध्यात्म की उत्सुकता और सत्य को पाने की प्यास पैदा होती है, अथवा जब हम कठिनाइयों से, दुर्बोध से, अथवा हम नाना प्रकार के संशय, भ्रम और भय के जंजाल से मुक्त होकर परम सत्य को उपलब्ध होते हैं, वो सत्ता शास्त्र गुरु सत्ता बताते हैं। आपकी रचना सही हो सके, सृजन सही हो सके, तो वो ब्राह्मी शक्तियां, वो जो आरंभिक ऐषणाएं, आपकी वो रचना सही हो सके। तो ध्यान से सुनना, अब करना, जब भी करो अच्छा कर, ठीक कर, और अच्छा कर नहीं पाओगे अगर आपके पास प्रेरणाएं नहीं है, वो दिव्य प्रभाव नहीं है, आपके पास ज्ञान और विचार का अभाव है, अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा करना कब होगा? जब अच्छा सोचना हो, अच्छे संकल्प बने। इसे गुरु सत्ता के जागरण कर, जो हम ये कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा या गुरुर् विष्णु, ये जो ब्रह्मा करते सृजन रचना, बहुत पुरानी बात है। ऐसी आड़ी तिरछी जब रोटी बनती हमने देखी, अब भोर में निकल रहे थे हम, किसी घर में ठहरे हुए थे और देखा आड़ी तिरछी रोटी बन रही है, तो हमें तो अच्छा ही लगा कि इनकी बहू को रोटी बनानी नहीं आती, आड़ी तिरछी रोटी। धीरे से पूछ लिया, भाई ये क्या हो रहा है? उसने कहा गाय की रोटी बन रही है, तो आड़ी तिरछी बनेगी, बेकार बनेगी, बेमन से बनेगी, चूंकि पशु के लिए बन रही है, जानवर के लिए बन रहे, और ये पति के लिए बने, पिता के लिए बने, पुत्र के लिए बने, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए बने, ये शासक के लिए बने। पहली चीज बिगड़ी होगी, यहीं पर खोट है, पहला खोट, पहली कृति बेकार होगी आपकी, उनके लिए तो दूसरों के लिए बांटने के लिए, अतिथि अभ्यागत नौकर चाकर के लिए सस्ती चीज। यहां सस्तापन है तो बाहर सस्तापन आएगा, यहां रचना सही, एक्ट स्पीक एंड, तो एक्ट राइटली। कब होगा? थिंक राइटली। कुछ कहते हैं अच्छा करो, एक्ट राइटली, अरे अच्छा करिए, स्पीक राइटली, ठीक बोलिए। भैया नहीं, मैं तो एक नई बात कह रहा हूं, थिंक राइटली, ठीक सोचिए। जब ठीक ही नहीं सोच रहे तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। वहां गुरु ब्रह्मा आपका गुरु पक्का है, बृहस्पति आपका पक्का है, कहीं लग्न में बृहस्पति, यद्यपि इस तरह की ज्योतिष मुझे नहीं आती, वो तो मैं ऐसे ही कुछ अनुभव की बात बता रहा हूं। उच्च के बृहस्पति होंगे अगर आपके, केंद्र में बृहस्पति बैठा हो, केंद्र में सूर्य बैठा हो, वाह क्या रचना, मुझे तिनका मान्य नहीं, कोई उठाए उठाए मैं उठाने लगता हूं, स्मॉल पार्टिकल मुझे मान्य नहीं है, कूड़ा कचरा ना, गुरु साथ रहता है, यहां रहता है। सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे। अब सवेरे दिया बाती कली गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ना भैया मेरा गुरु 24 घंटे मेरे साथ है, गुरु ब्रह्मा मुझे अच्छा करने की वो प्रेरणा दे। ब्रह्मा माने रचना, सृजन करना, बोलना, सोचना, देखना। ये कथा में तो होता है,
हमको आनंद, ऊर्जा, उल्लास, प्रकाश और अनंतता की ओर जो धकेल कर ले आई, उसका नाम कथा है, जो मेरा हाथ पकड़कर उधर ले आई। ये कथा मेरे जीवन में ना आती, पता नहीं कितनी व्यथाएं रहती। और जब व्यथा आती, जब व्यथित होता हूं, आहत चिंतित होता हूं, किसी तरह से भी कभी ऐसा लगे, तो ये कथा का उजियारा ही प्रकाश देता है। क्योंकि यहां पड़ोस में ही एक आश्रम है, आनंदमयी माँ का, वो कहती थी हरी कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा, ये माँ कहती थी। पुराने लोग गए, उनको भूल जाए, क्योंकि अब वो नहीं है, उनके उपकार भूल जाए ज्येष्ठ जनों के। अगर आपने अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं रखा, अपने गुरुजनों का, तो आपको भी कोई याद नहीं करेगा। ये तो धरती वैसा ही है, जैसा बोएंगे वही मिलेगा। तो हमें पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज, वो स्वामी मां आनंदमयी, वे पूज्य डोंगरे जी महाराज, या पूज्य करपात्र जी महाराज, और अथवा हमारे गुरुदेव, उन्होंने हाथ न पकड़ा होता तो प्रकाश पास में होता। कथा में चल रहे हैं ये कहते हुए आपको कि अगर ठीक तरह के विचार आपके पास चैतन्य होने लगे और ये कहीं उठ गए, विचार जग गए, तो ठीक बोलोगे, ठीक सोचोगे, ठीक करोगे। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। महापुरुष वो हैं जो मन वचन कर्म से एक हैं। इसे गुरुदेव का स्मरण करते हुए, और अगर हम कथा की ओर देखें तो सूत जी के साथ एक समूह सौनिक आदि 88,000 ऋषि, जो योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ अर्चन वंदन सेवा चर्या सपरिया में लगे हैं, याद कर रहे हैं, नैमिषारण्य में इतने व्यस्त हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि खाली समय में क्या करें। जो निठल्ले हैं उनके पास कभी समय नहीं होगा, और जो सच में ही ज्यादा कार्य करते हैं समय उन्हीं के पास होता है। जो बार बार ये कहते रहते हैं बड़े बिजी हैं क्या करें, इसका अर्थ है निठल्ला आदमी है, काम ही नहीं है इसके पास। क्या करें, अब यज्ञ हो गया, उपासना हो गई, त्रिकाल संध्या हो गई, ब्रह्म सत्र हो गया, पारमार्थिक अनेक कार्य हो गए, सेवा के कार्य हो गए, अभी जो बचा हुआ समय यज्ञ में, इसमें क्या करें। 88,000 ऋषियों ने विचार किया क्या करें, किससे पूछें अच्छा कुछ करने के लिए। आओ ब्रह्म पर विचार करें, ईश्वर पर विचार करें, और उसकी जिज्ञासा करें, एक बार जाने वो कौन है, एक बार जाने अपने मूल को, अपने सच को, एक दिन ये विचार कौन था हो। बस वही भाग्यशाली क्षण है, ऐसा स्पार्क बहुत कम होता है, बिना पुण्य के नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के जब पुण्य जगेंगे तो भागवत पुरुष का प्रवेश होगा जीवन में, एक सही व्यक्ति का। जब बहुत पुण्य जग जाते हैं, बीज तो हैं हमारे भीतर सत्कर्मों के, पुण्य में वो परिवर्तित तब होते हैं जब एक अवसर आता है। बस अचानक पुण्य जग गए, और हमारे शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ जरा ब्रह्म की जिज्ञासा तो करें, अथातो धर्म जिज्ञासा, आओ जरा धर्म की जिज्ञासा तो करें, अथातो शाक्त जिज्ञासा, शक्ति जिज्ञासा, ये एनर्जी कहां से आ रही है, शक्ति कहां से आ रही है, बोल कौन रहा है मुझ में, अब इसमें क्यों नहीं बोल रहा है, ये शब्द क्यों हो गया,
इस अग्नि की ओर क्यों लेकर जा रहे हैं? कौन है जो इसमें से बोलने वाला चला गया, सुनने वाला, देखने वाला? आओ जिज्ञासा तो करें। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं पश्चिम की निंदा कभी नहीं करता, बहुत आ गए हमसे, पर बेचारे वही माइंड बॉडी सोल बस यहीं तक है, इससे आगे कुछ है ही नहीं उनके पास, और वो भी सोल की जानकारी है ही नहीं, बस एक बात कह के हट जाते हैं परे। आत्मचिंतन जहां देखो आए, जहां सत्य को जानने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, वो धरा भारत ही है। इसलिए यहां के ऋषियों ने महामति सूत जी के चरणों में बैठकर ये जानकर कि ये गुरु हैं, अनुभवी हैं, सिद्ध हैं, परिपूर्णता इनके पास है, कुछ सीख ले लें। सबसे भाग्यशाली पल जानते हो कौन से होते हैं? शास्त्र कहता है सब महाभाग्यवान पल कौन से हैं? महाभाग्यवान पल वो हैं जब आप बड़ों से कुछ सुनना और सीखना चाहें। बड़ों के पास चुपके से बैठ जाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में पुष्प रखकर, और उनसे कहें अपने बड़ों से जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, जो महान हैं, अथवा जो गुरु हैं, अथवा जो संत हैं या माता पिता हैं, उनके चरणों को छूकर आप ये कहें कि कुछ हमें सीख दे दीजिए, कुछ अच्छा बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानना है। ये सामान्य प्राणी नहीं थे, 88,000 ऋषि। शौनिक नाम के ब्रह्मचारी ने उन 88,000 ऋषियों का समवेत मंतव्य मन लेकर महामति सूत से प्रश्न किया, ये क्या करें, कैसे सोचें, क्या सही है, सत्य सत्य क्या है, जड़ चेतन नित्य नित्य क्या है, सूचि असूचि आत्मनात्म क्या है। हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञान अध्वांत विध्वंस, ज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभु सूताख्या ही कथा सारम मम कर रसा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जैसे भोर में किरण आती है सूर्य की तो वो मिटाती अंधकार को, रह नहीं पाता अंधकार, वैसे गुरुजनों के यहां से प्रकाश की किरण आती है, अज्ञान ध्वांत वो उद्ध्वस्त होता है, उसका विध्वंस होता है, वो पूरा खो जाता है। अंधकार एक बार भगवान के यहां चला गया, उसकी हिम्मत तो देखो। भगवान ने कहा कोई ये अपरिचित सा प्राणी कौन है, ये चाहता क्या? अंधकार ने कहा जी मैं अंधकार हूं, मैं अंधेरा हूं। भैया प्रकट हो, बता कि जी मैं तो अंधकार हूं, मैं तो दिखूंगा नहीं, मेरी काया तो ऐसी है कि जो मैं भी नहीं पहचान पाता, स्वयं को मैं देख नहीं पाया कभी, मैं कौन हूं, मैं इतना मालूम है अंधेरा हूं, मैं अंधकार हूं, तो चाहता क्या है? उसने कहा सूरज से कहो कि वो मुझे रहने दे, जब वो आता है तो मैं मिट जाता हूं, मैं खो जाता हूं, मेरा भक्षण करता है, मुझे रहने नहीं देता, मेरे अस्तित्व को हर दिन चुनौती देता है, उसके आने पर मैं मिट जाता हूं, खो जाता हूं। सूरज से कहो कि मुझे रहने दे। भगवान ने कहा सूर्य को बुलाओ जरा, आवाज दी सूर्य नारायण प्रकाश, और कहा भगवान ने कि सुनाए आप किसी को मिटा देते, किसी का अस्तित्व ही छीन लेते,
हर दिन किसी के साथ आपका संघर्ष है, उसे आप रहने नहीं देना चाहते। सूर्य ने कहा कौन है वो? भगवान ने कहा अंधकार। तो सूर्य ने बड़े निर्दोष मन से कहा कि मैं ऐसे प्राणी से परिचित नहीं हूं, और अगर कोई ऐसा है तो मेरे सामने लाइए, मुझे दिखाइए, मैं देखूं तो सही अंधेरा क्या होता है। बहुत दिन तक आवाज पड़ती रही कि अब सूर्य सामने है, अरे अंधकार तुम आओ अपने मन की बात सुनाओ। आया नहीं अंधकार, क्योंकि सूरज के सामने अंधेरा रह नहीं सकता। मुझे आपसे एक सीधी बात कहनी है, मन में अगर राम बस गया तो संसार और उसके दुख उसी समय खो जाएंगे, उसी समय, उसी समय। सीख तो लो कभी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, सूताख्याई कथा सारम मम करुण रसायनम। हे गुरुदेव, आपकी बातें बड़ी मीठी सी हैं, सरल सी हैं, अच्छी सी हैं, कानों में रस घोल देने जैसी हैं, इनमें थोड़ा विस्फोटक रख तो दो। क्या शब्दों का प्रयोग किया है भागवत ने, विस्फोटक, कि हमारे कानों में कथा विस्फोटक रख दीजिए कानों के माध्यम से, तो जो मोटी भित्ति, मोटी जो भित्तियां हैं अज्ञान की, वो उद्धस्त हो जाएं, मिट जाएं। मैं नहीं जानता कि पश्चिम इस तरह से इसको जानता है कि नहीं, पर भारत ही एक ऐसा देश है जहां कपाल क्रिया होती है, आसक्ति जहां है, जिन प्राणों के माध्यम से आसक्ति, अहमता, ममता, कुल, गोत्र, जाति, वंश, परंपरा, संप्रदाय, अपने प्राण, अपनी संतति, पूर्वज और अपने लिए, अपनी अस्मिता के लिए जो एक बहुत बड़ा आग्रह है, वो प्राण पुत्र के द्वारा निकाले जाते हैं यहां से कपाल क्रिया करके। अब हो सकता है हम काल क्रमानुसार खो बैठे हों उस विद्या, सन्यासियों की नहीं होती, सन्यासियों की कपाल क्रिया नहीं होती, क्योंकि सन्यासी तो प्राय समाधि में प्राण छोड़ते हैं। लेकिन हां, जो सदगृहस्थ हैं, जो सामान्य प्राणी हैं, उसके प्राण यहां धसे रहते हैं, वो प्राण माने आसक्ति, अहमता, तो कुछ सीमित से प्राण जो उसमें जिसे पुनर्जन्म के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कुछ आसक्ति उसकी, उसके लौकिक कामनाएं, वंश, कुल, गोत्र, परंपरा, संप्रदाय की संकीर्णता। इसलिए पुत्र से कहा जाता है उठ और बांस ले और अपने पिता को मुक्त कर, मैं फिर से ना आए। वो पितृ पिता के मस्तक पर प्रहार करता। अब वो हो सकता है कि उस प्रकार का अनुभव न रहा हो लोगों को, उस क्रिया में औपचारिकता रह गई हो, लेकिन वो क्रिया तो है, भारत उससे परिचित तो है, कपाल क्रिया, यहां मोटी भित्तियां अज्ञान की, आसक्ति, अहमता, ममता, जड़ता, एक संस्कार देह का, देह अभ्यास, इतना अभ्यास कर लिया हमने देह का कि मैं वही हूं, अपने को ये माने बैठे। जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो देह दिखाई देती है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये मैं हूं, फिर ये मेरा विचार है। इसलिए सूत जी से कहा शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने कि हमको कथा सुना दे। अच्छा, शिव ने कथा सुनाई तो पार्वती समझ नहीं पाई, सुन नहीं पाई, वो कुछ वहां समाधि से कही जा रही है बात, तो ये बात थोड़ा गुरुओं को ध्यान रखनी होगी, कथा इस ढंग से सुनाएं कि दूसरों को समझ भी आए, नीचे उतर के सुनाए। तो शर्त भी रख दी, थोड़ी रस्सी ली हो, समझ आए। कथा सारा मम करुण रसायनम, रुचि भी रहे कथा में, कथा में रुचि बनी रहे हमारी, हम सो न जाए।
जिज्ञासु देखकर, मुमुक्षुओं को देखकर, सत्य पिपासु और साधकों को देखकर प्राय गुरुजनों की ज्ञान गुदड़ी खुल जाती है, ज्ञान पोटली। ये देखकर भी जिज्ञासु है। हंस तो कीचड़ में चौंच मारता है और मोती निकाल लाता है। पंख, पंख कहते हैं कीचड़ को, पंख में से मोती निकाल लाएगा। वैसे ही हंस जैसी प्रकृति के होते हैं संत। वैसे भी संत चार प्रकार के होते हैं, हम सन्यासियों के चार प्रकार हैं। एक है कुटिचक, दूसरा है बहुदक, तीसरा है हंस और चौथा है परमहंस। तो हंस जैसी प्रकृति के होते हैं संत कि जिज्ञासु को बीन लेंगे, बटोर लेंगे, जहां उनका जिज्ञासु है उसको पिक कर लेंगे। अच्छा, जिज्ञासु है मेरा, यहां से उठा लेंगे उसको, उसे विचार देते हैं, समाधान देते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ कर दीजिए। कथा आरंभ हो गई। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सौख्य करम शुभम, सारे सिद्धांत इसमें छुपे हैं। आ, मैं तुझे कथा सुनाता हूं, तैयार हो जाओ। और वो कथा सुनाने लगे। वृंदावन की कहानी सुनाई कि भक्ति वहां व्यथित होती है, ज्ञान वैराग्य, उसके दो पुत्र मरणासन्न हैं, उनके लिए नारद ने उद्योग किया। यहां हरिद्वार में गंगा के तट पर पहला प्रयोग किया गया ज्ञान और विचार वैराग्य को जगाने का। हम कई बार अच्छे भले रहते हैं पर हमारा उत्साह खो जाता है, उल्लास चला जाता है, आशावादिता चली जाती है, न जाने क्यों नीरसता सी आ जाती है। इसलिए उत्सव हैं, पर्व परंपराएं, मेले हैं या नाना प्रकार के अन्य और उद्यम हैं। जितने भारत में उत्सव, मेले, पर्व परंपराएं, उतने कहीं नहीं है। नाविन्य रहता है, उत्साह बना रहता है, एक नवोल्लास। इसलिए नाना प्रकार के उत्सव है, रंग बिरंगी चीजें हैं, कितने अन्न हैं, कितने फल फूल हैं और कितने जीवन के ढंग हैं। इसलिए कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि ज्ञान वैराग्य का जागरण हुआ और इन दोनों के बिना साधना सिद्ध नहीं होगी। अगर आपके अभ्यास में ज्ञान नहीं है और आपके अभ्यास में वैराग्य नहीं है तो ये वैराग्य और ज्ञान के अभाव में किया गया अभ्यास यांत्रिक हो सकता है। इसलिए कुछ लोग करते रहे होते हैं, दिया बाती, पूजा पाठ, आरती चालीसा, प्रणाम प्रदक्षिणा, अर्घ देना, पारायण करना और व्रत के नाम पर अन्न न खाकर दुनिया भर की और चीजें ग्रहण करना, कर तो रहे होते हैं लोग। ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं। नियमों का निर्वहन भी हो रहा है, जब चल रहा है, स्तुतियां चल रही हैं, ऑटो मोड में प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के, बिना यतन के, बिना प्रखरता के। साधन जीवंत है क्या? साधना में प्रखरता है कि नहीं? इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्य के साथ, ज्ञान के साथ, रुचि के साथ। साधना भी कलात्मक हो, भावात्मक हो। हम लोगों की जो पूजाओं में प्रकार है, हमारे षोडोपचार, गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पाद्य, अर्घ, आचमन, आह्वान, प्रदक्षिणा, निवेदन, फिर आत्मनिवेदन, प्रतिवेदन, इन सब में जो रस बनते रहे आपके, दूर्वा का चयन, पुष्प का चयन, विजया का, बिलो पत्र का, धतूर पत्र का, वृंदा का,
रुचि बने, रस बने, उल्लास आए। आप पूजा करने जा रहे हैं, वृंदा का चयन कर रहे हैं, दूर्वा का, बिल्वपत्र का, शमी का, धतूर का, तुलसी पत्ता, थोड़ी हल्दी, तिनक सा मिष्ठान, थोड़ा सा जल। अब दीपक प्रणाम करेंगे भगवान, आपका मन ठीक हो। और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये यांत्रिक है, इसलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। संकादिक ने कथा सुनाई, जीवन के प्रति उत्साह जगाया और ये हमने अनुभव किया। कभी कभी उत्साह जब शिथिल हो जाए, आपके रस खोने लगे, तो जीवन फीका हो जाता है। हमारा नमक की राम रस की थोड़ी सी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो भोजन कैसा हो जाता है। एक भक्ति रस है, एक ज्ञान रस है, एक सेवा का रस है जो जीवन में उत्साह लगाता है। संसार एक रस से चलता है, उसका नाम है काम रस। इसके बिना संसार नहीं पैदा किया जा सकता, अर्थ के बिना संसार नहीं चलेगा, द्रव्य के बिना, धन के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। रस है उसमें, काम के बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बे आप हम सब काम की उपज हैं, और तो और ब्रह्मा भी परमात्मा की कामना का ही तो परिणाम है। भगवान में भी तो कामना पैदा हुई, एक से अनेक हो जाऊं। ब्रह्मा अपने आप थोड़ी पैदा हुआ है, आपने पैदा किया है। तो आपके काम की उपज ब्रह्मा, और हम अपने माता पिता के काम का परिणाम यहां बैठे हैं। ध्यान रखना, काम बहुत बड़ा रस है और वो नेत्रों में रहता है, नासिका कपोल भाल जिह्वा पे रहता है, हमारे हाथों में द्रव्य वस्तु पदार्थों में रहता है, वो हर जगह काम रहता है। काममय संसार है, काम से बना जगत है, कामना का ये एक परिणाम जगत, जगत काम से ही बना है। काम रस बहुत बड़ा रस है, लेकिन हम तो बहुत आदर के साथ एक बात कहना चाह रहे थे, ब्रह्म रस इससे बड़ा है, राम रस थोड़ा इससे बड़ा है, भक्ति का रस इससे बड़ा है, सेवा का रस इससे बड़ा है। हमारे देखा आश्रमों में किस तरह से बड़े परिवारों के सेठ साहूकार सामंत, जिनके घरों में कितनी अनुचरियाएं, सेविकाएं, दासियां हैं, और महाराज वो किस ढंग से सेवा कर रहे हैं। सेवा का रस तो कुछ और ही है। अतिथि अभ्यागत आगंतुक के लिए, संत सत्पुरुषों के लिए, माता पिता गुरुजनों के लिए, अतिथि अभ्यागत के साथ रोगी के लिए, सेवा का रस तो बहुत बड़ा रस है। दान का रस, परमार्थ का रस। तो जैसे ही भागवत की कथा सुनी, आनंद तट पर चैतन्य हो गए ज्ञान वैराग्य। एक जानकारी दे रहा था आपको, ऐसे आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चार युग होते हैं, एक युग है सतयुग। उस सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। दूसरा युग है त्रेता, उसका तीर्थ है पुष्कर। तीसरा युग है द्वापर, उस द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। मैं बहुत भाग्यवान हूं ये बात कहते हुए कि कलयुग का तीर्थ है हरिद्वार, जो आनंद तट से लेकर दक्षेश्वर तक है। आनंद तट से लेकर, आनंद तट माने सप्त सरोवर से लेकर सप्त सरोवर, जहां सप्त धाराओं में गंगा ऋषियों का पाद प्रक्षालन करती है, और कनखल तक यहां, इसको आनंद तीर्थ कहते हैं।
हर तीर्थ का नाम होता है, इसका नाम आनंद तीर्थ है। कोई तीर्थ में एक वन होता है, इस तीर्थ में आनंद वन है। हर तीर्थ में एक भैरव होता है, यहां के भैरव का नाम है आनंद भैरव। हर तीर्थ में एक अज्ञात विहार होता है, यहां के विहार का नाम है आनंद विहार। सब बातें भूल जाना, एक बात याद रखना, हर गंगा के तट का एक नाम है, गंगा के तट का एक नाम होता है। हरिद्वार के गंगा तट का नाम है आनंद तट, आनंद तट। इसलिए महात्माओं के नाम के आगे यहां रामानंद, नित्यानंद, मुक्तानंद, अपूर्वानंद, वैसे ही अवधेशानंद। हमारे गुरु जी ने कहा बेटा आनंद लगेगा नाम के साथ, आनंद में रहना, आनंद विहार, आनंद वन, आनंद तट, आनंद सरोवर। एक और बात, आनंद भैरव। माया देवी के दर्शन का फल निसंदेह वैराग्य है, अथवा वैभव है, अथवा विभूति विद्या है, अथवा मोक्ष है, लेकिन प्रथमानुभूति जो है वो आनंदानुभूति। किसी को देखकर आपको कैसा अनुभव होता है, मिलत एक दारुण दुख दही, बिछुरत एक प्राण हर ले। तुलसी बाबा लिखते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, किन्हीं को मिलो तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मिलत एक दारुण दुख दही, किसी को देखते ही बड़ा दुख होता है। बिछुरत एक प्राण हर ले, जब वो चले जाते हैं लगता है कि दुनिया चली गई। आनंदानुभूति, आनंदमन, आनंद भैरव, आनंद तट। इसलिए इस आनंद तट पर ज्ञान वैराग्य जीवित हुए, उनकी मां भक्ति चैतन्य हुई, और इस प्रकार से मैं ये भागवत के महात्म की कथा में घाट तैयार कर रहा हूं। क्या आप डुबकी कैसे लगाएं गंगा में, कथा में आए कैसे, ये आरंभ है कथा का महात्म, जिसमें बड़ी सुंदर सी कथा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की आती है। उसकी पत्नी धुंधुली, आत्मदेव कोई और नहीं, हम ही आत्मदेव हैं। धुंधुली कोई और नहीं, कपट करने वाली बुद्धि धुंधुली है, जो क्लैरिटी नहीं चाहती। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं चाहते, छुपा दो, बाद में बात करेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इनको नहीं बताना, उनको नहीं बताना। आपको पता है, किसी और को नहीं पता, कंफ्यूजन। उनको बड़ा आनंद आता कि क्लैरिटी आ गई, तो फिर तो कोई रस ही नहीं रहेगा, लाइफ ही सारी ठीक हो जाएगी। क्लैरिटी लाइए, एजेंडा लाओ क्लियर करने का, खुशफुस खुशफुस नहीं, ना बिल्कुल नहीं, उलझाओ मत अपने को। धुंधुली, मैंने इतनी बार उसे समझने की कोशिश की, धुंधुली है क्या भाई, ये है क्या धुंधुली, कपट है, अच्छा लोभ है, बड़ा लोभ है, मेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं, मेरे हिस्से और किसी के नहीं, धुंधुली। आवरण में पता ना लगे अपने को, किसी को बताना नहीं, मिथ्या, एक मिथ्या आवरण। धुंधुली माने जो अपने को ढके रखते, जो हाइड करके रखे, बहुत सी चीजें जो छुपा के रखे, हम बताए नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, अपनों को भी नहीं बताएंगे, किसी को नहीं, और तो अपने पति को नहीं बता रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो, आज एक नई बात कह रहा था मैं, मन में कुछ ऐसा मत रखो जो अपने गुरु को न बताया जा सके, अपने माता पिता को न बताया जा सके। अब वजन कम करना चाहे, अपने मन का हल्का करना चाहे, अब आनंद लेना चाहो, तो एक हिम्मत करके अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, हिम्मत नहीं पड़ रही हो तो भगवान के सामने मन खोल देना, साहस तो चाहिए उसके लिए, क्योंकि पाप निवृत्ति के लिए, उसके प्राश्चित के लिए, दोष निवारण के लिए जो पहला उपाय है वो पुनरावृत्ति न करना है, लेकिन संकल्प के साथ
अपने माता पिता गुरु को बताकर। मैं ग्रंथ में पढ़ रहा था कि पाप प्राश्चित के विधान क्या क्या है। एक अद्भुत विधान उसमें लिखा था कि पाप का प्राश्चित का सबसे अच्छा विधान है कि पाप की पुनरावृत्ति न हो, पर पाप का प्रकाशन कर दीजिए माता पिता के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ, पाप को प्रकाशित कर दीजिए। अच्छा, पाप का अर्थ यही है जो प्रकाशित होना नहीं चाहता। आप अच्छे काम करके आए, 100 जगह गाजा बाजा करो। कुछ लोग तो प्रातःकाल पूजन करके निकले, दूसरों को बता रहे हैं आज अच्छे फूल चढ़ा के आए हैं भगवान को। अरे कौन पूछ रहा है आपसे, आज व्रत रखा हुआ है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, निर्जल है, आज जल नहीं पिएंगे, रोज कैश कर रहे हैं। अपनी प्रकृति, परमार्थ, उदारता, तप, श्रम, दान, परोपकार, और उसकी खबर न बने तो और परेशान है कि कोरोना में उन्होंने ये चीजें दी, इनकी तो छप गई, हमारी नहीं छपी। लीजिए साहब, इनका तो पता लग गया पूरे नगर को, हमारी चर्चा ही नहीं। उनके 4 बोरे में वो टॉक ऑफ टाउन है, और हमारे 4 ट्रक के बाद भी कोई पूछ नहीं रहा। ये प्रवृत्ति है धुंधली की, छुपा कर। इसलिए उसने, ये बुद्धि है जिसे प्रकाश नहीं पहुंचा, ज्ञान नहीं पहुंचा, जो संवाद नहीं करता, जिसमें संगति नहीं है, वो आत्मदेव है। इसे बहुत भीतर की बात बता रहा हूं मैं आपको। अपनों से संवाद रखिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कीजिए, कहीं कोई भ्रम है, कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई लुकाव छुपाव है, वो बड़ी मत करो, उस चीज को खत्म करो। आत्मदेव और धुंधली में कोई संवाद ही नहीं। जब संवेदनाएं आपस में नहीं बढ़ती तो संबंध टूटते हैं, वो बिखरते हैं। इसे परिवारों में संवाद बहुत आवश्यक है। दोनों में संवाद नहीं था, दोनों अपरिचित थे एक दूसरे से। पति पत्नी होकर भी संवाद नहीं था, मन एक नहीं था, बुद्धि एक नहीं थी, चित्त एक नहीं था, और हां, एक संकल्प नहीं था, एक विचार नहीं था, एक स्वप्न नहीं था। सदगृहस्थ को चाहिए एक ही सपना बुने पति पत्नी, एक जैसे प्रकृति, एक जैसे रुचि, एक जैसा लक्ष्य। इसलिए प्रार्थना की ऋषि ने, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुस गरस्य। मैं अकेला नहीं, मुझे तार दे, मुझे नहीं मेरे कुल को भी। तो इतनी वो प्रज्ञा संपन्ना हो, ज्ञान संपन्ना, शील संपन्ना। जब संवाद ही नहीं है तो ऐसा होता है, क्योंकि संतानहीन था, और दुख तो है ही, बड़ा दुख है संतान ना हो, क्योंकि हम रहते ही अपने संतानों के माध्यम से हैं। हमारा अस्तित्व, विचार संतान के साथ रहता है। इसलिए पूछा था अपने मित्रों से कि मुझे संतान हो सके, इसके लिए उपाय क्या है। और तब मित्रों ने बताया, कोई ऋषि मुनि, ज्ञानी, गुरु, कोई सिद्ध,
अगर वचन दे दे तो तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। त्रिकालदर्शी किसी महात्मा के पास जा जो तत्वदर्शी हैं, तत्ववेत्ता हैं, ऐसा कोई समाधि जिस जागृत जिसने कर लियो, प्रज्ञावान पुरुष। प्रज्ञावान पुरुष की जिभ्या पर सरस्वती का वास होता है। जिनको कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, जो ऐंद्रिक संयम में है अथवा जिनकी समाधि जग गई है, ऐसे सत्पुरुष की जिभ्या पर सरस्वती रहती है अथवा उनकी भी जिभ्या पर, जो हरि नाम निरंतर अपनी रसना से लेते रहते हैं। जिव्याग्रे वर्तते हरि इति अक्षरद्वयम्, जिनकी जिव्या के अग्रभाग पर हरि 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 अथवा गुरु मंत्र चलता रहता है, जिनकी जिव्या के अग्रभाग पर निरंतर नाम नर्तन करता रहता है, तस्मा सर्वेषु कालेषु, जिनकी जिव्या निरंतर हर काल में भगवान का नाम जपती रहती है, ऐसे महापुरुष की जिव्या पर सरस्वती का चिरस्थायी वास होता है। चूंकि सरस्वती रहती जिव्या पर किसकी जिव्या पर? महात्माओं की जिव्या पर, महापुरुषों की जिव्या पर, जो सत्पुरुषों की जिव्या पर सरस्वती का वास होता है। तो जा, तुझे संतान होगी किसी महापुरुष के शरण में। ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी धुंधुली थी, दोनों में बनती नहीं थी, दोनों का एक मन नहीं था, एक विचार नहीं था। जब प्रेम नहीं होता तो वो एक प्रकार की रुग्णता है, वो एक प्रकार के द्रव्य चेतना और रस का व्यतिक्रम है, जो केमिकल इंबैलेंसिंग है। उसका एक कारण ये भी, संबंधों में प्रेम नहीं रहा, इनफर्टिलिटी इसलिए भी बहुत हो रही है कि हम ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे। संतान उत्पत्ति एक उद्यम है भाई, कैसा आहार, कैसा विहार, कैसी निहार, कैसा विचार, कैसा व्यवहार। आप आचार विचार जानते नहीं, लोकाचार जानते नहीं, आहार विहार निहार और विचार के प्रति आपकी उदासीनता है, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि बच्चा हो जाएगा। और हो भी गया तो वो होना चाहिए जो आपकी प्रकृति के अनुरूप हो अथवा जो यहां एक अपने होने के सत्य को सिद्ध करे। गिर पड़ा गुरु के चरणों में, वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे। अभी ये प्रणाम करके ढंग से उठ नहीं पाया था कि उससे पहले ही गुरु ने मन पढ़ लिया और उसे बता दिया, भैया तू संतान की कामना लेकर आया है। हाँ हमारा तो मैं देख रहा हूं तेरा भविष्य है कि उसमें संतान से बड़ा दुख लिखा है, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमानना, पीड़ा। महीनों नहीं सालों तेरी आंखें हमेशा गीली रहेंगी, डबडबाई रहेंगी, तू रोता रहेगा, इतना दुख देगी संतान, आंसू नहीं थमेंगे, नींद नहीं आएगी, व्याकुल रहेगा, मुंह छुपाता फिरता रहेगा, छिपकर रहेगा, अपनों से दूर चला जाएगा, अपनों में इतनी अपकीर्ति, अपप्रचार, दुष्प्रचार, कुल कीर्ति को कलंकित करने वाला तेरा पुत्र पैदा होगा, तेरा बेटा बड़ा दुखदाई होगा, असुर है, तेरे भाग्य में एक निशाचर जैसा बेटा लिखा है। अब बोल क्या करना। अब बड़ा प्रसन्न है, कहने लगे कैसा भी हो बेटा तो लिखा है ना भाग्य में, इसका अर्थ है मुझे पुत्र होगा भाई, इसका अर्थ हुआ मैंने संतान नहीं हूं, हम समझा बुझा लेंगे, ठीक कर लेंगे, बड़ा दुख मिलेगा संतान से। सुंदर से पुष्प लाकर बगिया के दुर्वा धतुर बिल्व शमी लेकर, ये जानकर ये महादेव ही है महात्मा, उनके चरणों को पूजने लगा कि गुरुदेव हमने तो महादेव देखा नहीं, हमने ईश्वर के दर्शन नहीं किए, आप ही भगवान हैं। ऐसा कहकर चरणों में फल फूल दुर्वा और अपने आंखों के अश्रु अर्पित करने लगा। और भगवान ऐसा ही कहते हैं,
तत्रम पुष्पम फलम तो मैं आप भक्त्या प्रयच्छति। भगवान यही कहते हैं कि भाई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको, तो फल फूल बस, पत्रम पत्ते चढ़ा दो, तुलसी पत्ता बेल पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल चढ़ा दीजिए, पत्रम पुष्पम फलम ज्यादा है तो भैया फल चढ़ा दो। भक्ति में जो तेरा मन हो, लेकिन प्रणाम भी काफी है। आप ऐसा मत करना भीड़ भाड़ में साधुओं के पैर ही छूते रहो। लेकिन उसने पुष्प से द्रव्य गंध अक्षत से चरणों का प्रक्षालन किया, पूजन किया, और वो आग्रह करने लगा। लीजिए भागवत में लिखा है कि देखिए पुत्र तो आप होगा ही मुझे, पर प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, ऐश्वर्य विभूति विद्या, और वो भी आप जैसा ही हो। दरअसल में बेटा तो होगा ही मुझे, अब आपने कह दिया आप जैसा हो, आप जैसा प्रज्ञावान। तो भागवत में अद्भुत एक श्लोक लिखा है, तस्याग्रह समालोक्यम फलमेकम सदत्तवान। तस्याग्रह बड़ा जिद में उतर आया, हट कर ली, नहीं मारा आप कह देंगे सब हो जाएगा। तस्याग्रह समालोक्यम फलमेकम सदत्तवान, ये सोच के तो बड़ा जिद कर रहा है, पीछे पड़ गया, ले भाई फल ले ले। गुरुदेव ने फल लिया और वो कहने लगे कि तुझे प्रज्ञावान, शीलवान, गुणवान, वैराग्यवान एक ऐसा सत्पुरुष जो त्रिकालदर्शी होगा, एक योगी, धर्मात्मा, पुरुषार्थी, एक पुण्यात्मा का मैं आह्वान करता हूं। उस प्रज्ञावान पुरुष का मैं ध्यान करता हूं जो महादेव जैसा ही होगा, प्रकांड विद्वान, ज्ञानी। मैं एक ऐसे सत्पुरुष का ध्यान करता हूं जो स्वप्न में मिथ्याचरण नहीं करेगा। ये फल ले, प्रसाद है जिससे हानि नहीं होती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। बड़ों के हाथ से जो मिल जाए वो प्रसाद ही होता है। इसलिए हम भारत के लोग बड़ों के हाथ से कोई वस्तु प्राप्त हो तो मस्तक से लगाते हैं। प्रसाद की महिमा निराली है, उसमें उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद होते हैं। इसे बड़ों के हाथ की चीज को मस्तक पे रखो। फल में कम से दत्तवान, 9 मास के बाद तुझे प्रज्ञावान पुत्र की प्राप्ति होगी, ये फल अपनी पत्नी को दे देना, जा गर्भाधान संस्कार करो। ये पहला संस्कार है। दूसरा पुंसवन 5वें महीने में होता है। तीसरा सीमंतोनयन 7वें महीने में होता है। जात कर्म निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत, अक्षरारंभ, विवाह, वाग्दान, समावर्तन, दीक्षा, और फिर ये वानप्रस्थ। एक और संस्कार है सन्यास, जो कोई के ले पाता है। सन्यास भी एक संस्कार है। गर्भाधान संस्कार कर, तो दो तन मिल जाए ये संस्कार नहीं है भैया, जब तक दो मन नहीं मिलते। दो देह एक जगह इकट्ठी होने का नाम संस्कार नहीं है। संस्कार मन से होता है। जब तक द्रव्य, रस, चेतना, गुण, प्रकृति एकीकृत नहीं होते, फल उलट पुलट कर देखकर और ये मानकर कि अरे क्या है, उसकी अवज्ञा कर दी, गाय को फेंक दिया। और वो एक संभावना, जीवन अंतहीन संभावनाओं से भरा हुआ है। हर दिन नई संभावनाएं, लेकिन उन संभावनाओं में कई बार ऊर्जा रहती है। एक समय चूक, पुण्य का पछताने, अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आएंगी, अच्छे अवसर रोज नहीं आएंगे,
एक द्वार थपथपा रही थी कोई, अंदर से आ जाए कौन है भाई। जब बहुत देर से द्वार थपथपा रहा है, हुआ क्या है, कौन है जो बार बार द्वार खटखटा रहा है, कौन है। अंदर वाले ने पूछा, कौन है जो बहुत देर से दरवाजा थपथपा रहा है कौन बाहर। तो बाहर खड़ी उस चेतना ने कहा, मैं संभावना हूं, जीवन की संभावना, तो द्वार खोल, घर से निकल, कुछ अच्छा कर, मैं रोज खटकाऊंगी तुझे, मैं संभावना हूं और जीवन अंतहीन संभावनाओं से भरा हुआ है, निकल कुछ उद्यम कर। पर एक दिन तो द्वार कोई थपथपा रहा था और लगातार, तब अंदर वाले को भी कुछ बेचैनी सी हुई, उसने पूछा, कौन है भाई जो बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है। तो बाहर से आवाज आई, मैं अवसर हूं, मैं समय हूं, और फिर हाथ नहीं आऊंगा, बाहर निकल। और सच मानिए, समय चुक पुन का पछताने, जो तरुण अवस्था में होगा अब कैसे करे, जो बाल्यकाल में करना था, जो यौवन में करना था, अब तो निकल गया, अब कैसे करें। जब प्रौढ़ता भी चली गई और कोरोना का इंजेक्शन तो 60 के ऊपर लग रहा है आजकल, लीजिए, तो जो 40 में करना था अब वो कैसे करें, जो 50 में करना था अब वो कैसे करें। समय चूके पुण्य का पछता, समय की संगति, विचार संगति, एक मात्रज्ञ बोध, एक एकात्म, एक साम्य खो गया सदग्रस्त का, और वो संभावना एक बड़ी शक्ति ऊर्जा चली गई। हाँ, अब वो भयभीत है, अब वो झूठ का आश्रय ले रही है, अब वो कपट कर रही है। बुद्धि, मैं उस स्त्री की बात नहीं कर रहा, बुद्धि। तो हम जब कभी झूठ का आश्रय लेते हैं, कपट का आश्रय लेते हैं, तो हम एक फोल्ड, एक और फोल्ड, एक और आवरण, एक दूसरा आवरण, एक और आवरण, वे काले में आवरण में तो ढका हुआ था, एक चेहरा उस पर, एक और चेहरा, एक और चेहरा। बाइपोलर जो लोग होते हैं वो नहीं होते, वो जो दिखाना चाहते हैं। एक बड़ा विचित्र युग है, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। हमारी चिंता अच्छा दिखने की है, अच्छा बनने की है ही नहीं हमारी चिंता। हमको कोई अच्छा देखे, हम दिखे अच्छे, हम अच्छे कब बनेंगे, हम सही कब होंगे। और 9 मास के बाद उसने कह दिया, चलो मुझे तो संतान पैदा हो गई, एक कपट की, झूठ की, छल की, पड़ोसन का बच्चा ले आई, यही मेरा बेटा है, बच्चा पैदा कर दिया। वो तो बाहर रहता था, तो बेटा बता दिया, मेरा है बेटा। एक कपट का, उधार का, छल का, बाहर का बालक प्रकट करके दे दिया, ये मेरा ही बेटा है। लेकिन जैसे ही आत्मदेव अंदर प्रवेश करता है, उस बालक के मस्तक पर अपने ओठ रखकर उसे चूमना ही चाहता है, अंक में भरना ही चाहता है, कि सहसा द्वार पर सुस्ती वाचन करने लगे आचार्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, संतों का झुंड आ गया। अचानक एक ऋषियों का रेला मेला खड़ा हो गया, और वो द्वार पर आए ब्राह्मण, यति, योगी, साधु, संत, महात्मा, और जय जयकार करने लगे। कहने लगे, तू महा भाग्यवान है, देख तेरे गऊ ने पुत्र को जन्म दिया, एक छोटा सुंदर सा बेटा गौ के नीचे बैठा हुआ है, उस ऋषि का प्रसाद गौ के माध्यम से प्रकट हुआ। चूंकि लंबे कान थे बालक के, कम्बुग्रीवा कंठ, उन्नत ललाट, और उसका विशाल वक्षस्थल, अजान बाहु, उसकी बड़ी भुजाएं, प्राय ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, प्राय महापुरुषों के यही लक्षण होते हैं। उनके पैर छोटे होंगे, कान बड़े होंगे, कम्बुग्रीवा कंठ होगा, हाथ लंबे, अजान बाहु।
संत समझ गए कि झूठ का उधार का जो बालक है मां ये कह रही यही बेटा है, इसलिए संत उस बालक को लेके चले गए और वो धुंधुकारी नाम रखा गया उसका, जो प्राय दुराचारी था, मद्यपान करता था, दूध क्रीड़ा करता था, वो दस्यु बना। दस्यु कहते हैं लुटेरे डाकू को, दूसरों का द्रव्य लूटकर इस तरह से, और वो प्राय ऐसे पंच वैश्याओं के संसर्ग में आ गया। भागवत का मैं ऐसा बताया, वो पंच वैश्या मानो पांच विषय, पंच वैश्या माने पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हम हर पल जिसके साथ जकड़े हुए हैं, जो हमें छोड़ना नहीं चाहता, वो विषय बल है, वो विषय आसक्ति है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, छुटकारा हुआ नहीं। घर का सारा द्रव्य स्वर्ण आभूषण वहां पहुंचाया, यानी विषयों की पूर्ति के लिए। चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर माता के मस्तक पर प्रहार करने के लिए दौड़ा, मां और धंधे। पिता तो रोज ही रोते रहते थे और कहते रहते थे मेरा पुत्र कहां गया, वो जो गौ ने प्रकट किया था। ये दुराचारी, ये दुष्ट, ये दस्यु, ये एक प्रकार का दैत्य, और ये जैसे मान लो राक्षस हमारे घर में पैदा हो गया, जो नित्य विरोध करता था, धर्म ग्रंथ जला देता था, घर में परकीय प्राणियों को ले आया है। पिता तो कब के घर छोड़ के चले गए, माता भी दौड़कर कूप में कूदकर प्राण दे दिए माने, और वो ढेर सारा धन चुरा कर लाया। नर्तकियों ने पूछा कि ये तो इतना धन है कि राजा के पास नहीं होगा। उसने कहा राजकोष से ही मैं धन चोरी करके लाया हूं, राजा का पूरा खजाना लूट लाया मैं, अब तो प्रसन्न हो जाओ। इतना धन देखकर वो चकित हो गई, रत्न राशि देकर, मूंगे मोती हीरे वैदूर्य, मुंह में कपड़ा ठूंसकर, हाथ पैर उसके बांधकर, उसे जिंदा जलाकर, धरती में दबाकर, उसे जिंदा जलाकर, उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर और सारा धन लूटकर वे नर्तकियां चली गईं धरती में दबाकर। उसे मां कूप में कूद गई, प्राण दे दिए। पिता जंगल में चले गए, गौकर्ण को विद्याध्ययन के बाद सुध आई अपने घर की समाधि में। सब उसने देखा कि मेरे भाई धुंधुकारी की दुर्गति हुई है, पिता वन वन भटक रहे हैं, मां का देहांत हो चुका है और मेरे भाई की भी दुर्गति हुई है। ऐसा जानकर कथा की उसने, आह्वान किया घर आकर अपने भाई के लिए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये जानकर कि मेरे भाई की दुर्गति हो गई है, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम, अब मुझे कोई एक अनुष्ठान करना चाहिए अपने भाई की सदगति के लिए। सप्ताह क्रमानुसार उसने भागवत का अनुष्ठान किया और विचार बल से, आत्म बल से, ज्ञान बल से अपने भाई को मुक्त किया। हम महात्म की कथा सुन रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, ये अभेदोपासना सिद्ध करती है कथा।
ये मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति काय और कलेवर संस्कार विचार आसक्ति ये शनाओं से हमें मुक्त करती है। हमारा जैसा मन होता है वैसी गति बनती है, हमारा जैसा अभ्यास होता है वो परिणाम हमारे हाथ आते हैं। हम मूलतः अपने अभ्यास का परिणाम है, हम अपने अभ्यास की फलश्रुति हैं। ज्ञानाभ्यास करके उसने अपने भाई को मुक्त किया। हम कथा में एक और अंतर कथा है महात्मा की, उसे सुनाएंगे। आज पहला दिन है और पहला दिन बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसे कृषक अपनी माटी तैयार करता है खेत की, वो ऐसे ही बीज नहीं डालता। कितनी न्यूनता रहे प्रकाश की, कितनी अधिकता रहे उर्वरक शक्तियों की, बीज कब डाला जाए, आर्द्रता कितनी हो मिट्टी में, ताप कितना हो, ऋतु की अनुकूलता के अनुसार बीज डाला जाता है। एक साथ शिल्पी ऐसे ही कोई मूर्ति नहीं निकालता, एक बड़े प्रस्तर पर घन बरसाता है, तब कहीं कपोल नासिका भाल चिबुक नेत्र की भंगिमाएं वो प्रकट करता है। मूर्ति में से जो कुछ है वो प्रकट होता है, लेकिन पहले मन में। ऐसे चित्रकार रंग नहीं भर देता, अपनी कल्पनाओं में पैदा करता है। आइए हम चलते हैं उन प्रसंगों की ओर जो कथा के कपाट खोलेंगे। आइए हम चलते हैं उस ओर जहां कथा का मर्म है। एक दो बार भगवान का नाम लेते होंगे। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। नर्तन है साधन मैं भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन मैं भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए।
पंक्तियों के माध्यम से हम अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। अब वो अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार का एक भाव रखते थे कि जैसे वो उपासक हैं, एक उपास्य भाव और एक उपासक भाव, तो उनमें प्राय उपास्य भाव नहीं था, वो सिद्ध भाव में नहीं रहते थे। ऐसा उनके जीवन में हमने निरंतर अनुभव किया कि उनमें विनम्रता, औदार्य, एक साधक भाव अथवा उनमें एक दास्य भाव, एक मैत्री का भाव, एक बाल भाव और उनमें एक साधक का भाव जीवंत रहता था। और ये रखना चाहिए, हम में ये बोध न रहे कि हम में प्रवीणता है, कौशल है, हम पारंगत हो गए, हम विद्वान हैं, गुणी हैं, सुजान हैं, चतुर हैं अथवा समर्थ हैं। तो ये एक लंबे समय तक महाराज जी की प्रार्थनाएं उनके आसपास रहीं। तो मुझे लगा कि जब मैं कथा के पहले दिन में आह्वान की अवस्था में हूँ तो परंपरा का स्मरण करूँ, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जब विकलता व्याकुलता हो, शुभ कर्म हो, सत्कर्म करने जा रहे हो आप, मंगल प्रसंग हो, तब अपनी परंपरा का स्मरण करें। उस समय भी जब आपको बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आपको सृजन के लिए नवाचार और नव स्फूर्ति, नव उमंग चाहिए, ऐसे समय भी जब आप व्यथित हैं, शांत नहीं है मन, व्याकुल हैं, आपको कोई नव सामर्थ्य चाहिए अथवा समाधान भी, उसके लिए शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, पुनंतु देवजनामाम, पुनंतु मनसाध्या, पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनिहमाम। शास्त्र ऐसा कहता है पवित्रता के लिए, सामर्थ्य के लिए और अलग प्रकार की उमंग, ऊर्जा, उल्लास के लिए आपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके पराक्रम, उनके परमार्थ अथवा उनके पुरुषार्थ का आपको बोध होगा अथवा उनके भीतर में जो ऐन्द्रिक सामर्थ्य रही है, उनका जप तप रहा है और कहीं पूर्वजों के पूर्व के भी पूर्व में, उसके भी पूर्व में आप पहुंच सकें अपने मूल तक, ऊर्ध्व मूल दशा का, मश्वतम प्रावरोभयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, अपनी फैमिली ट्री बनाकर, अपने वंश वृक्ष को बनाकर आप पीछे लौट सकें कि आप किस से हैं, आपका मूल कौन है, पिता के पिता के पिता के पिता के भी पिता के मूल, तो परमात्मा को आप पाएंगे, उसी से आप हैं, उसी से आपका अस्तित्व है। कभी वंश वृक्ष बनाए, शाखाओं तक मत रहो, पत्तों तक मत रहो, टहनियों तक मत रहो, मूल में जाकर देखो तो जो संसार रूपी वृक्ष है उसका मूल ऊपर है, ऊर्ध्व मूल अध: शाखा अश्वतम प्राहुरम वयम, संयोग से अश्वत वृक्ष ये मेरे बिल्कुल दक्षिण भाग में है, इसकी मैं नित्य पूजा करता हूं, वट की, अश्वत की। भोर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने इसे जल न चढ़ाया हो, इसकी प्रदक्षिणा न की हो, इसे शीश न झुकाया हो। और हाँ, आनंद और उल्लास में तो कभी मैं इसे आलिंगन भी करता हूं प्राय, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं वृक्षों का पूजन करो, दूर्वा का, धतुर, बिल्व, शमी और तुलसी, इनको स्पर्श करो, इनके सत्य को ढूंढो, नीर को, उसके सच को, प्राण को, अन्न के सच को ढूंढो, तो आप पाएंगे कि परमात्मा ही इसका स्रोत है। बिना पवन, प्राण, आकाश के आप जीवित रह सकते हैं? बिना वनस्पति के, बिना अन्न के, बिना पूर्वजों की कृपा के आप हैं क्या? आप पूर्वजों का ही तो परिणाम है। तो अपनी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, शील और अपने बड़े महद गुणों पर रीझ मत जाओ, वो आपको उधार में मिले हैं, वंशानुगत हैं, आपको परंपरा से प्राप्त हुए हैं, आपकी बुद्धि में जो आपका रंग रूप कौशल है, चिबुख हनु वक्षस्थल भुजाएं हैं, जो कुछ भी आपका ये है, ये किसी ने दिया है, तो परंपरा का स्मरण करें। महर्षि पतंजलि तो बहुत अच्छी बात लिखते, वितराग विषम व चित्तम, इसका अर्थ ये है कि जब मन व्यथित हो अथवा जब आनंद में हो, जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कोई नूतन प्रसंग हो, तो उनका स्मरण करो, वीतराग विषम वाचित्तम, जिनका जो वीतराग है, जिनमें राग नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा, जो सम थे, उदार थे और जो पवित्र थे, पूज्य थे,
तो पवित्र पूज्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ जनों का स्मरण करना चाहिए, महाजनों का, महापुरुषों का। तो अभी चूंकि कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं तो फिर किसका स्मरण करें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु हर पल भगवान का स्मरण करिए अथवा महापुरुषों का स्मरण करिए। मनसा ध्या, मन से उनका स्मरण करो, और जैसे मन से आप उनका स्मरण करेंगे तो पवन प्राण प्रकाश आकाश वनस्पति के रूप में वो आपके पास ही तो हैं, वो कहीं दूर नहीं है आपसे। वीतराग विषम्बा चित्तम, गुरुजनों का ध्यान करो। तो ऐसे अपनी परंपरा का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि पहली गुरु माँ ही है और कोई नहीं। शास्त्र कहते हैं जिसे भाषा हमने सीखी, जिसे हमने अन्य संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की कुशलता सीखी है, जितनी संवेदनाएं हमारी जितनी भी मानवीय संवेदनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति की युक्ति जिससे सीखी है वो माँ ही तो है। भाषा भी उसी सीखी है, उसी ने अपने उदर में रखकर हमारा पोषण किया है। तो जो माता पिता आचार्य गुरुजनों का, ज्येष्ठ जनों का, प्रकृति का, पर्यावरण का सम्मान नहीं कर सकते उन्हें कृतज्ञ कहा गया, कृतज्ञ कहा गया, वे थैंकलेस प्राणी है। इसलिए कुछ अच्छा करने जाओ तो बड़ों का स्मरण करो, उनको प्रणाम कीजिए। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अस्मदाचार्य पर्यंताम, तब से लेके अब तक जितने मेरे गुरु हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। कई बार तो भगिनी गुरु है, बड़ी बहन को सिखाती है, पिता माता गुरु हैं, शिक्षक गुरु हैं, पड़ोस के गुरु हैं। हम संयोग से भगवान दत्तात्रेय की गद्दी के आसपास हैं, यानी उनकी तपस्थली में बैठे हैं। तो उन्होंने धरती से, कपोत से, मृग से, अंबर से, अग्नि जल वायु से, पिंगला नाम की नर्तकी से ज्ञान ले लिया। टकटकी लगाए देख रही है, वर्षा, रात भर कोई आया नहीं, बिजली कौंध रही है, वर्षा में ये भीगे खड़े हैं और वो दीप जलाए टकटकी लगाकर देख रही है, अपलक निहार रही है, उस पुरुष की प्रतीक्षा कर रही है जो संगीत और उसके नृत्य पर रीझ कर प्रसन्न होकर कुछ सिक्के देके जा सके। इन्हें लगा कि ये तो भाई समाधि में बैठी, ऐसा तो पुरुष कभी देखा नहीं जो समाधि में अपलक। भोर हुई, ऊपर गए, प्रणाम किया, माते आपको वंदन है, अब रात भर बैठी रही अपलक, अपने पलक नहीं छपकी, ऐसी समाधि मैंने कभी नहीं देखी, अब अपलक देख रही है, अब आप जरा से भी नहीं हिले, ये ध्यान की कौन सी युक्ति थी? उन्होंने कहना ना मैं ध्यान नहीं कर रही थी महाराज, मैं तो किसी ऐसे भ्रष्ट पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे जो मेरा नृत्य देखे, मेरे संगीत से प्रसन्न हो, मेरी मुद्राओं से, मेरे भासाभास से, मेरे श्रृंगार से, और मुझे कुछ द्रव्य देकर जाए। ऐसे भ्रष्ट जो संस्कारहीन प्राणी होते हैं, मैं तो उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। तो उन्होंने कहा ना आप क्या कर रही थी वो मुझे नहीं पता, पर ऐसा ध्यान जो आप कर रही थी मुझे भी सीखना चाहिए, मैं आपको गुरु बनाता हूं। ऐसी प्रतीक्षा हो परमात्मा की जो आप कर रहे थे, इस तरह की बाट जो ही जाए, ऐसे ही देखा जाए। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा, एक इसका अर्थ यह है कि जिन जिन से हमने सीखा है उनके प्रति आदर रहना चाहिए, जिनसे हमारा जीवन है उनके प्रति आदर रहना चाहिए। क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है, अन्न के बिना जीवन नहीं, प्रकाश आकाश के बिना जीवन नहीं, धरा के बिना उसकी कोई कल्पना नहीं, विनम्र नहीं। महाभारत काल की घटनाएं यहीं से कथा का बीज निकलेगा, और वो एक बड़ी घटना तो हुई इस धरती पर द्वापर के अंत में, कली के आरंभ में, उसको पांचवा वेद कहा गया। महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है, जो महर्षि वेदव्यास ने जिसकी रचना की है। उस महाभारत काल में बड़ा युद्ध हुआ, एक अंधे, लोभी,
पुत्र के मोह में और सत्ता न छोड़ने की एक ऐसी चाह कि सब छूट तो जाएगा लेकिन फिर भी नहीं छोड़ना है। धृतराष्ट्र कहता है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। परिणाम की व्याकुलता। देखो तो सत्कर्म किए होंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत व्याकुल नहीं होंगे आप। भय, उन्माद, अवसाद, असुरक्षा की भावना अथवा बड़ी चिंता और संशय उनको रहता है जो सत्कर्म नहीं कर पाए। वो जानते हैं परिणाम पता नहीं ठीक नहीं आए, परिणाम की चिंता है क्या हो रहा है बताओ तो सही। और एक दिन गुरु ने ऐसा कहा भी था कि जब चाहे तब तू भविष्य उघाड़ कर देख सकता है, कल क्या होगा और आने वाले युगों में क्या होगा। लेकिन वो एक गुरु का आवेश देखकर अनुभव करके विचलित हो गया था, क्योंकि गुप्तचरों ने आकर बताई बात कि आज गुरुदेव अकेले हैं और जिस ढंग से रात राजपथ पर वो चलते हुए आ रहे हैं, हमने इतना आहत कभी देखा नहीं गुरु को। कृष्ण द्वैपायन विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। विष्णु के 24 अवतार बताए गए, उनमें एक अवतार कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। गुप्तचरों ने कहा कि राजन आज गुरुदेव के आगमन में आवेश है, वो असहज है, किंचित उत्तेजित है, जिस ढंग से वो चल रहा है ऐसा कभी चलते हुए देखा नहीं हुआ, आपको न जाने क्या आदेश दे देंगे। क्योंकि अब वो एक आवेश में है, वो सहज नहीं है, और जब सन्यासी सहज नहीं होता तो उसके मूल में कोई बड़ी बात होती है, क्योंकि अपनी अपनी हित सिद्धि के लिए वो व्याकुल नहीं होता, केवल अन्न के लिए व्याकुल नहीं होता, भूख प्यास पर उसका नियंत्रण होता है, वो मान सम्मान की भी चिंता नहीं करता, वो मान सम्मान अपमान से बहुत दूर रहता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्व मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचलम सर्वधि साक्षीभूतम। वो वासनाओं में नहीं रहता, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु प्राय ब्रह्म के आनंद में रहता है, वस्तुओं की प्राप्ति उनके रक्षण के लिए चिंतित नहीं होता, उसमें ऐषणाओं का प्राय अभाव रहता है, लोकेषणा पुत्रेषणा पित्तेषणा। इसे गुप्तचरों ने कहा, सुजान बुद्धिमान प्रज्ञावान कुश्रेष्ठी साहूकार सामंतों ने कहा कि आज अच्छा लक्षण नहीं है, आज अकेले हैं गुरु जी, आज ना कोई सेवक है ना ब्रह्मचारी है नति और ना जटिल मुंडियों का कोई झुंड उनके साथ है। राजन सावधान, पता नहीं क्या कहेंगे आप। और वो कह रहे हैं मुझे धृतराष्ट्र में ले जाना, वहां लेके चलो जहां धृतराष्ट्र बैठा है। और हाँ उन्होंने ये भी कह दिया अंधा धृतराष्ट्र बैठा है, जब कुछ नहीं दिख रहा है वहां लेके चलो, बताओ राजा को मेरे से वेदव्यास आ रहा है। दशराज तक पहुंचते पहुंचते गुरु जी का आदेश शांत हो चुका था। सच में साधु के मन में बहुत देर तक कोई बात नहीं रहती, गुस्सा तो इतना रहता है साधु का जैसे पानी पे लकीरें खींचे तो खींचते खींचते मिटती जाती है, ठहरती नहीं है, क्योंकि ज्ञान में आवेश रहता ही नहीं, ज्ञान और आवेश का कोई संगति नहीं है, ज्ञान में और जगत का कोई ठहरा भी नहीं है। ऊंचे से आसन पर बैठा कर
पग पखार कर उनका पूजन करके हाथ जोड़कर बैठ गए सब जन। धृतराष्ट्र ने पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है? और गुरुदेव ने कहा, मैं तुझे नेत्र देने आया हूं, तू परिणाम पहचान सकता है, कल क्या होगा परसों क्या होगा, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और चर्म चक्षु भी तू देख पाएगा, मन की भी आंखें और बुद्धि की भी आंखें, चूंकि राजा के पास में सब आंखें होनी चाहिए, दूर तक देख सके राजा, पीछे तक दिख रहा हो उसे, सीमा पार दिख रहा हो, परलोक तक देख रहा हो कि जब प्राण छूटेंगे तो परलोक में क्या होगा, वो परिणाम क्या हाथ लगेंगे। भयभीत हो गया धृतराष्ट्र, उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्र वधु जो 100 हैं, मेरी बहुएं, उनके मैंने माथे का सिंदूर नहीं देखा, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हरे कांच की चूड़ियां, सुर्ख लाल रंग के जोड़े में मैंने उनकी हंसी ठिठोली सुनी है, उन्हें नाचते देखा नहीं कभी, गाते हुए सुना है, पर नृत्य का देखा मैंने अपनी बहुओं का, मेरे पुत्र वधुएं जिनमें मेरे प्राण धसे हुए हैं, मेरे पुत्र में मैंने कहां देखा मयूर, मैंने कहां देखे कपोत, कागा, उछल कूद करने वाले बंदर, मैं भोर की प्रथम किरण से भी तो वंचित रहा हूं, ढलता सूर्य, आकाश और उसके तारे, चंद्र की विविध कलाएं, मैं जानता नहीं पूर्णिमा क्या होती है, मेरे लिए तो हर दिन अमावस है, मैंने कहां देखा चांद, सूरज के दर्शन नहीं किए, मैं देखी नहीं गौ कैसी होती है, गज किसे कहते हैं, सुना है पर हाथी होता कैसा है, मृग किसे कहते हैं, सुना है देखा कहां है, मैंने फल चखे हैं देखे कहां है, फूलों को छुआ है देखे नहीं है, और अब मैं देखूंगा लाश का ढेर, अब मुझे नेत्र देने आए, मैं अपने पुत्रों की लाश का ढेर देखूं, चीखती हुई अपनी बहुओं को देखूं कि वो चिता में भाग रही होंगी। तुम्हारे से वेद व्यास समझ गए कि अभी तो युद्ध हुआ नहीं है और तू परिणाम पहचानता है, क्योंकि युद्ध हुआ भी नहीं और तू परिणाम पहचानता है, और सच में हम सबको अपने परिणाम का पता है क्या है, और अगर नहीं पता तो हम जड़ हैं, हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में किस तरह के फल हमारे हाथ लगेंगे। वो जो ज्ञान देना था, जो चक्षु देने थे, मेरे से वेद व्यास ने नकार दिया, धृतराष्ट्र ने यह कहकर नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरे मित्र को दे दो, इससे पूछता रहूंगा मैं, मेरे से वेद व्यास ये कहकर तू अभागा है, जो मुझे ज्ञान देना था चल मैं संजय को देता हूं, इसलिए पूछता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवा शेव किम कुर्वत संजय। अरे संजय देख तो सही युद्ध के मैदान में हो क्या रहा है, वहां से समाचार क्या आ रहे हैं। फिर संजय बताता है कि एक और 11 अक्षौणी सेना, दूसरी ओर 7, तो हुआ क्या, तो रोमांचित होते हुए बताता है संजय कि भगवान का पांजन्य का अद्भुत स्वर, अब भगवान पांजन्य फूंक रहे हैं अपना शंख बजाया है, तो हुआ क्या। बोले कौरवों की सेना भयभीत होकर पीछे पीछे और पीछे होने लगी है, घोड़े हिने ना रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भयभीत हो गए पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण निस्तेज हो गए, थर थर कांप रहा है दुर्योधन, दुशासन को श्वेद आ गया है, पसीना पहुंच रहा है, और पांडव बोले वहां उत्साह है, बोले स्वर में ऐसा, और हां तो पांजन्य का भैरव स्वर जिसे विजय घोष कर दिया, बता दिया भगवान ने शंख फूंक कर कि विजय जिनकी हो रही है वो ये पांडव है, जिस रथ पर बैठा है वो, उस रथ की वलगाएं स्वयं कृष्ण के पास हैं, ध्वजा पर हनुमान बैठे हैं,
और पूरी सेना का मनोबल, आत्मबल, बौद्धिक बल, शरीर बल इसलिए बड़ा है सबसे क्योंकि वहां धर्म बल है और वो धर्म क्षेत्र है। या तो धर्म स्ततो हो जाए, मत धर्म की जय होने वाली है, आपके पुत्र हार जाएंगे। वे सब पराजित हो गए, शकुनी का शव नहीं मिला। बहुत देर तक ढूंढते रहे दुशासन के को, उसका रक्तपान, शव पड़ा है उसका रक्तपान कर रहा है भीम, लहू निकल रहा है वक्षस्थल से और उस रक्त से अपने बाल सींच रही है द्रौपदी। अद्भुत विचित्र विभत्स दृश्य, भरपेट पानी नहीं पीऊंगा भीम ने कहा था, जब तक तेरे इस गर्व से भरे मस्तक और हटीले वक्षस्थल को तोड़ नहीं दूंगा। तने द्रौपदी को नग्न करने का दुस्साहस किया है, तने बाल खींचे हैं इसके, घसीटते हुए तू लेकर आया है, मैं धर्म से बंधा हूं, तेरे प्राण मैं लूंगा, पानी कभी नहीं पीऊंगा, प्यासा रहूंगा, प्राण रक्षा के लिए एक चुल्लू भर जल पीता रहूंगा, जब तक तेरी छाती का खून नहीं पी जाऊंगा मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा अपनी। प्रतिशोध, प्रतिकाम, भयानक दृश्य बता रहा है संजय कि तेरे बेटे की छाती का खून पी रहा है भीम, चुल्लू भर नहीं अंजुरी भर भर कर अपने बालों को सींच रही है, क्योंकि जो एक बार बाल खुल गए फिर बांधे नहीं उसने, वैणी बंधन नहीं किए, वैणी नहीं बांधूंगी, क्योंकि सबसे सुंदर और जहां स्त्री का स्त्रैण और उसकी अस्मिता और उसकी शोभा दीप्ति और उसकी आभा सुरक्षित रहती है वो उसका मस्तक ही तो है, तेरे मेरे बाल खींचे हैं, ये तब बंधेंगे बाल मेरे, मुक्त केशी रहूंगे, बाल बखेर के रहूंगे, अब बंधेंगे नहीं ये, तेरी छाती के रक्त से इन्हें सींच कर बांधूंगी। भीम ने भी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। महाभारत प्रतिज्ञा ग्रंथ है, सबकी प्रतिज्ञा, लेकिन बेकार दृश्य में एक दृश्य और है। वो है युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, पूरी धरा अनुगत है, अब छोड़ने का भी मन है। एक दिन त्यागने का मन होता है, एक दिन संग्रह करने का मन होता है। बचपन, तरुणाई, यौवन, प्रौढ़ता, संग्रह के लिए, संचय के लिए। ज्ञान किरण आए, मस्तक को छुए और अंतर को प्रकाशित करे, तब त्यागने का मन होता है, वार्धक्य में बांटने का मन होता है। एक कान में समाचार पड़ा युधिष्ठिर के, उत्तराने पुत्र को जन्म दिया है, अंतिम पांडव। मन उछल गया, पत्र के जन्म के समाचार, लंबी श्वास लेकर बैठ गया निश्चिंत होकर। उत्तरावस्था में अधिकारी आ गया जिसे कुंजी सौंपी जा सकती है, मुकुट पहनाया जा सकता है, जिसे अपना सब कुछ दिया जा सकता है। हम रहना चाहते हैं संतति में, विचार में, अपने सिद्धांतों में, मूल्य परंपराओं में, अपनी कृति और रचनाओं में, अपनी अभिव्यक्ति में, इसे भी अपना सक्सेसर ढूंढो। अच्छा, वो ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, अब पौत्र के रूप में प्रकट हो गया। बुलाया पांचों चारों भाइयों को, पत्नी को, मन की बात कहनी है,
जीवन भर आपका अनुगमन अनुसरण करते रहे, अनुशीलन करते रहे, मौन रहे, चुप रहे, आप आगे चलते रहे, हम पीछे चलते रहे। आप जुआ खेलते थे, कब मना किया? आपने हमको गिरवी रख दिया, दाव पे लगाया, कब मना किया? द्रौपदी कहती, आपने मुझे भी वस्तु समझकर दाव पे तो रख ही दिया था, और आप हार गए थे मुझे, तो कब मना किया हमने? जो आज मना कर देंगे तो कहना क्या है? बोले, निकल पड़ो घर से, बस हो गया, आज संन्यास होना है हमारा, मैं चल रहा हूं, मेरा संन्यास का दिन है आज का, मुझे अभी इसी पल निकलना है, मुझे सच जानना है, और ये जो पूरी राज्य संपदा है ये परीक्षित की है, क्योंकि जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गया। तो परीक्षित का अर्थ है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसकी बड़ी परीक्षाएं ली गई। गर्भकाल में भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका, सुदर्शन चक्र ने उसकी रक्षा की। ऐसे परीक्षित के जन्म के समाचार के साथ ही एक चीज उदित हुई, उसका नाम है वैराग्य। और यह बहुत बड़ा लक्षण है कि जब आप सच जानने के लिए एक आप अंगड़ाई लें, मा तपो तप्यमान परिमिताहार एकांतशीली जड़ांध बगिराकृति। अरे भाइयों, आओ मेरे पास आओ, अब मैं एक भी पल घर में नहीं रहना चाहता, ये मेरा मुकुट उसके सर पे रख दो, ये सारा राज्य वैभव दिग दिगंत में, ये जो हमारी संपदा भू विस्तार, इस पूरी धरा के हम एकमात्र स्वामी हैं, इस पूरी वसुधा के वैभव के एकमात्र भोक्ता हम हैं, मैं युधिष्ठिर समूची वसुधा का वैभव त्याग कर परीक्षित को देता हूं। आप क्या करेंगे? महातपो तप्यमान, मैं तप करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य बोलता रहूं, इंद्रियों को साधूंगा, मिथ्याचरण नहीं करूंगा, अक्रोध अवैर अनिंदा अस्वाद मेरे व्रत रहेंगे, पर दोष दर्शन का अभाव, अब मैं किसी में दोष नहीं देखूंगा, समता मैं समभाव में रहूंगा, आत्मदृष्टि सबको एक जैसी दृष्टि से देखूंगा, आत्मवत सर्वभूतेषु जैसा मैं हूं वैसे सबको देखूंगा। एक और बड़ा धर्म है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं दूसरों के साथ करूं। परिमिताहारा, मैं थोड़ा भोजन करूंगा, एकांतशीली, मुझे एकांत में जाना है, जड़ांध बगैरा कृति, जैसे अंधे बहरे और गूंगे होते हैं, मुझे वैसा संन्यास लेना है, बहुत हो गया, पर मुझे सत्य जानना है, मैं चला। और उनके पीछे 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 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी। कितने बार गए हम बद्री का आश्रम में, वहां पे व्यास आश्रम के पास एक भीम पुल है, वहां छलांग लगाने के बाद थोड़ा दूर चलने के बाद शरीर गिर पड़ा द्रौपदी का, फिर नकुल सहदेव का, भीम अर्जुन का, और दूर तक जाकर जो स्वर्ग पहुंचे ऐसे युधिष्ठिर, उनका बेटा परीक्षित धरती पर रह गया, जिसने कई अश्वमेध यज्ञ किए, अपने जप तप बल से, वाक बल से, व्यवहार बल से पूरी धरती को सम्मोहित कर दिया। बड़ा व्यक्ति बनता है विचार से, समूची वसुधा के वैभव का भोक्ता बनने पर भी द्रव्य स्पर्श नहीं किया, जो पिता और पूर्वजों की संपदा थी वो बांटने के लिए, राजकोष मेरे लिए नहीं है। परीक्षित ने कहा, यह सारा धन मेरा नहीं है, राजा का धन स्वयं के लिए नहीं होता, तो कैसा ले राजा अपने लिए धन? कितना ले? जितना मधुमक्खी लेती है पुष्प से, पुष्प से मधुमक्खी लाती है शहद, न तो फूल झूठा है, न वो अधूरा है, न वो खंडित है, न वो छला हुआ अनुभव करता, न ठगा हुआ अनुभव करता,
भगवान को फिर भी चढ़ाया जाता है फूल, अपवित्र नहीं है, अधूरा नहीं है, ठगा नहीं अनुभव करता, छला हुआ नहीं है, कुछ चुरा नहीं लिया है, कुछ छीन नहीं लिया है, फिर भी कुछ तो ले ही गई मधुमक्खी, उतना ले राजा। प्रजा को पता ना लगे, फूलों को तो नहीं पता लगता कि शहद कब चला गया उनका। जिस दिन राजा इतने ऐसे टैक्स लेने लगे, टैक्सेशन प्लान ये होना चाहिए, हो सकता है अब अच्छे दिन आए और अच्छे आ जाए, कुछ इस दिशा में जाए चीजें। राजा ने कहा मुझे इतना नहीं लेना है, बत्तीस वर्ष तक कलयुग प्रतीक्षा कर रहा है, 32 वर्ष तक। राजा के तपा साधन से इतना प्रभावित पूरा समाज अपने आपको बड़ा बनने का एक प्रयोग बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। बड़ा आदमी धन से कभी नहीं बनता, सच मानिए, बड़ा आदमी विचार से बनता है। बड़े विचार बनाना, बड़े बन जाओगे, बड़ा संकल्प से बनता है। ये परीक्षित जिसे कथा मिलने वाली है, ये परीक्षित जो उस कथा का नायक है, जो कथा सुनेगा, जो सीधे संवाद मिले सुखदेव के, ऐसी पात्रता तभी अर्जित हो सकती है जो लंबी समय तक पीढ़ियां तैयार की जाए, पीढ़ियों को तैयार किया जाए। अपनी पीढ़ियों को भी तैयार करो। कुंती ने तैयार किया था सुभद्रा को, सत्यवती ने कुंती को तैयार किया, सास के सास के सास के सास, सत्यवती ने कुंती को तैयार किया, अंबा अंबिका अंबालिका आदि को सत्यवती ने, कि हमारी पीढ़ी में कोई एक ऐसा पैदा हो जो संकल्प से ईश्वर को प्रकट कर सके। फिर ये सुभद्रा और द्रौपदी, फिर उनकी बहू ये उत्तरा, संस्कार भी दीजिए, अच्छे विचार रोज बांटो, उनका फल है परीक्षित। आज कथा का पहला दिन, प्रसंगों को बांधने का, इकट्ठा करने का दिन, कोरोना काल में 1.5 साल के बाद मुझे कथा कहने का अवसर मिला है, मैं बहुत ही आनंदित हूं। सरकारी निर्देशों का पालन करना, मास्क पहनना, बाहर कथा कह नहीं सकते थे पांडाल लगाकर, चूंकि मर्यादाएं नहीं है, सरकार के निर्देश नहीं है। आप में से लाखों करोड़ों लोग इस टीवी मॉनिटर के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चूंकि इस कथा का सीधा प्रसारण चल रहा है, लगभग 100-150 देशों में भक्त इस कथा को देख रहे हैं, और आपको भी। कुंभ का काल है, अमृत कुंभ की क्या कथाएं सुनाएंगे। आज कथा का पहला दिन था, हमारे आदरणीय अशोक जी और उनकी गृह लक्ष्मी प्रिय अनीता को इस बार की कथा में मुख्य यजमान बनने का सद्भाग्य मिला, सुअवसर मिला। वो कई वर्षों से मुझसे कह रहे थे कि स्वामी जी, जब जहां जिस नगर गांव गली मोहल्ले में किसी तीर्थ में आपको कथा करनी है तो बहुत लोग हैं आपके पास, पर मैं कथा कराऊंगा, एक कथा मुझे करने दीजिए, एक कथा का यजमान मुझे बनाइए, एक कथा की सेवा में मैं रहना चाहता हूं। तो हमारे अन्य यजमान भी हैं सब आप, लेकिन प्रिय अशोक जी और अनीता जी, उनके परिजन पुरजनों को, बंधु बांधवों को, उनकी मातुश्री आई हुई हैं, उनकी पुत्री बैठी है, उनको अवसर मिला कथा का। हमारी ये इस दक्षिण और वाम पार्श्व में उत्तराखंड के विद्वान आचार्यगण बैठे हैं, ये लगभग 108, इनके सामने भागवत की पोथी रखी गई है, ये भागवत का पारायण कर रहे हैं। आप में से भी अनेक यजमान यहां पहुंचे कथा कराने के लिए, अब भाग्यवान है, मुझे क्षमा कर देना, लाखों लोग कथा कराना चाहते हैं लेकिन कुछ ही यहां पहुंच पाए मर्यादा के कारण। आप नियमों का पालन करना, थोड़ा मौन रहिए, जप तप में रहना, सेवा के भाव में रहना,
संभव हो तो त्रिकाल संध्या कीजिए, ये न हो संभव तो दो काल संध्या करें, गंगा का स्नान करें। यहाँ पे अनेक उत्सव होने हैं, उन उत्सवों के लिए भी हम दूसरों को अवसर देंगे। जो आश्रम के कुछ नियम हैं कि कहाँ बैठकर भोजन करना और कहाँ जप तप करना है, उन मर्यादाओं का अवश्य पालन करें आप। आज इतना ही काफ़ी है, एक बार भगवान का नाम लेंगे फिर हम आरती करेंगे भगवान की। सर्वत्र विस्तृत जो है एक से अनेक बनकर, अथवा जो अनंत है वह ब्रह्म ही है। जो नित्य व्यापक है, सनातन है, समीचीन और